हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश सो अभी यूपीएससी जनरल स्टडीज़ का कोर्स चल रहा है एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टेकन इज इंडियन पॉलिटी एंड उसकी क्लासेस हैं जो अपलोडेड हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अगर आपको सारे अपडेट्स चाहिए इन वीडियोज़ के ऊपर तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल टारगेट आई एग्ज़ाम्स वहाँ पे सारी क्लासेस के अपडेट जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और अगर आपको सी एस आई आर के एग्ज़ाम के डिस्क्रिप्टिव बैच या फिर बैच uh, चाहिए आई बी ए सी आई ओ के टीयर टू के लिए तो आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा कांटेक्ट है एट द रेट माइंड मैप्स बाय आकाश आप जाके सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर एंड यू कैन एक्चुअली टेक्स्ट मी पर्सनली फॉर द डिस्क्रिप्टिव बैच बाकी ये जो टारगेट आईबी एग्जाम्स पे जो मिलेंगे आपको अपडेट्स इस यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ कोर्स की ये वीडियो सारी फ्री हैं और सारे लिंक्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जैसे ही क्लास अपलोड होती है यूट्यूब पे तो यू कैन जॉइन इट ताकि सारे आपको अपडेट्स मिलते रहें स्टार्ट करते हैं इस क्लास के साथ आज हमारे पास जो टॉपिक है लेजिस्लेचर है आज हम एन जैसे चलता आ रहा है एन प्लस लक्ष्मीकांत दोनों को कवर करेंगे जिसमें भी लेजिस्लेचर के जो भी टॉपिक्स हैं इन दोनों बुक्स के अंदर हम उसको कवर करेंगे लेजिस्लेचर का टॉपिक एन से पढ़ेंगे उसके बाद उसको कन्फर्म करने के लिए और और ज़्यादा बेटर करने के लिए फैक्ट्स जो होते हैं वो लक्ष्मीकांत तो डी डी के जो फैक्ट्स हैं उसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ठीक है तो उसमें मैं वो पढ़ाऊंगा आपको साथ में ताकि आपका पूरा प्रिपरेशन पॉलिटी के लिए हो जाए एन एंड लक्ष्मीकांत दोनों और आपको थर्ड पार्टी के ऊपर नोट्स के ऊपर यू नो फोकस नहीं करना है जो पाँच हज़ार दस हज़ार में आपको नोट्स देते हैं ठीक है तो वहां से क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो भी नहीं मिलती है तो जो भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है जैसे लक्ष्मीकांत एंड डी बसु फॉर पॉलिटी की रेफरेंस बुक्स एंड एन सी आर से डायरेक्ट स्टेटमेंट्स उठाई जाती हैं एग्जाम्स में हम उनको कवर करेंगे जो यूपीएससी डिमांड करता है एक्स्ट्रा फैक्ट्स को हम नहीं देखेंगे एक्स्ट्रा जो है आप कितना भी पढ़ लो उसका मतलब नहीं है जो यूपीएससी डिमांड कर रहा है हमें उसी पर फोकस करना पड़ेगा और उसी के लिए कोर्स बनाया गया ताकि आपका एक ही चैनल से पूरा का पूरा जनरल स्टडीज का कोर्स कंप्लीट हो जाए सारे सब्जेक्ट्स तो वो हमारा प्लान है और ऐसे ही चलते रहेंगे लेट्स स्टार्ट विद द क्लास लेजिस्लेचर में हमारे एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है दैट डू वी नीड अ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी तो है नहीं लॉ मेकिंग सिर्फ एक वन ऑफ द फंक्शंस हो सकता है लेजिस्लेचर का ठीक है इट इज़ सेंटर फॉर ऑल द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस जो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है उसका सेंटर होता है लेजिस्लेचर कैसे इट इज़ पैक्ड विद एक्शन जैसे हम देखते हैं वॉकआउट्स हो जाते हैं जो एम होते हैं वो वॉकआउट कर जाते हैं ऑपोजिशन के हो गए या कोई भी प्रोटेस्ट होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं वो कि पार्लियामेंट uh, में प्रॉब्लम्स हैं स्पीकर इज़ नॉट यू नो एक्टिंग इन एन अनबायस्ड मैनर ये सब चीज़ें होती हैं कंसर्न कोऑपरेशन ये सारी चीज़ें चलती हैं ठीक है एक जेनुन डेमोक्रेसी होती है वो बिना रिप्रेजेंटेटिव के अधूरी है एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव लेजिस्लेचर के लिए हमें चाहिए एक जेनुइन डेमोक्रेसी के साथ एक गुड रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर और क्या हेल्प करती है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के वही तो डेमोक्रेसी है उन रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल रखना हमने देखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पांसिबल किसको होते हैं टू द लेजिस्लेचर इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर हमें पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन के बेसिस पे हम लोग रखते हैं उसको उसमें अकाउंटेबल और एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एक भी मिनिस्टर के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो गिर जाती हैं और ये सबसे बड़ा बेसिस है फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कि आप डेमोक्रेसी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स जो बहुत ज़रूरी हैं उनको अकाउंटेबल रखा जाए ताकि डेमोक्रेसी बरकरार रहे फिर भी बहुत सारी डेमोक्रेसीज में लेजिस्लेचर जो है अपना जो सेंट्रल प्लेस है वो खो रही है व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिव कंपेरेबल एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है आजकल लेजिस्लेचर के आ, मुकाबले क्योंकि मेजॉरिटी अगर अगर देखो आप किसी भी एग्जीक्यूटिव की जो गवर्नमेंट है उसकी अगर मेजॉरिटी हो लेजिस्लेचर में और जब बात आए अकाउंटेबिलिटी की तो आप अकाउंटेबिलिटी के लिए होल्ड ही नहीं कर सकते अब इसमें दो कॉन्ट्राडिक्टिंग ईशूज़ बनते हैं मेजोरिटी किसी गवर्नमेंट के पास है अच्छी खासी सीट्स हैं बहुत अच्छी खासी एक लॉ पास करने के लिए और उस सब के लिए पार्लियामेंट में इसका मतलब है दैट द कंट्री वांट्स दैट गवर्नमेंट टू रूल देम लेकिन एक और चीज़ आती है अगर उस पाँच साल के दौरान वो गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्शन लेती है जो उन लोगों को नहीं पसंद तो लोकसभा की जो गवर्नमेंट के अलावा जो रिप्रजेंटेटिवस हैं वो उनको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते क्योंकि सारी लॉ मेकिंग पावर जो हैं वो मेजॉरिटी पे बेस्ड है मेजोरिटी से आपने बिल पास कर दिया वो एक्ट बन जाएगा उसके बाद देर इज़ नो विन विन सिचुएशन ठीक है तो ये इशू हो रहा है इंडिया में भी कैबिनेट इनिशिएटि जैसे क्या होता है कि आप चूज करते हो एम पीज uh, को फिर वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कुछ मेजर मिनिस्ट्रीज होती हैं वो कैबिनेट तैयार करती है और कैबिनेट ही मीटिंग्स करता है लॉज और पॉलिसीज़ पे डिसाइड करता है और ये कैबिनेट के डिसीजंस को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मानना पड़ता है सारा तो उसमें कैबिनेट जो है पॉलिसीज़ को इनिशिएट करता है एजेंडा बनाता है और कैरी करता है उसको आगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मानना पड़ता है तो आउट ऑफ ऑल द पीपल प्रेजेंट इन दी लेजिस्लेचर बेसिकली जो कैबिनेट है एक छोटी सी बॉडी जो है 20 से 30 से 40 लोगों के मेंबर्स की बॉडी जो है वही डिसाइड करती है बेसिकली पॉलिसी और एजेंडा कैसे चलेगा <coughs> ये बेसिकली क्रिटिक्स जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि इससे क्या हो गया कि पार्लियामेंट का जो पावर है वो डिक्लाइन uh, हो रहा है ठीक है लेकिन क्या है कि uh, जो स्ट्रांग कैबिनेट भी जो बनती हैं बेसिकली उनको मेजोरिटी तो बनाए रखना जरूरी है ना लेजिस्लेचर में अ स्ट्रांग लीडर हैज टू फेस द पार्लियामेंट एंड आंसर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एक स्ट्रॉग लीडर भी है अगर आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी हैं तो उनको क्या है पार्लियामेंट को फेस करना पड़ता है और आंसर करना पड़ता है उनको ताकि वो पार्लियामेंट के क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर सकें यहाँ पे ना डेमोक्रेटिक पोटेंशियल दिखाई देता है पार्लियामेंट का कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि बेशक कोई भी मेजोरिटी में लीडर हो कोई भी गवर्नमेंट हो उनसे सवाल और जवाब किए जा सके ताकि गवर्नमेंट एक तरीके से कोई भी प्रॉब्लम जो कंट्री में चल रही है उस पर जवाब दे सके इट इज़ रिकोगनाइ एज वन ऑफ़ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फॉर्म ऑफ डिबेट एक ओपन फॉर्म फॉरम है फॉरम है सॉरी ओपन फॉरम है डिबेट के लिए और अगर कॉम्पोजिशन देखी जाए पार्लियामेंट की तो देखा जाएगा कि ये सबसे रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन्स में आता है मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूज करना जो एग्जीक्यूटिव होता है वो चूज़ करना लोगों के हाथों में नहीं है लोगों के हाथों में है एम को चूज करना लोकसभा के अंदर ठीक है अगर आप जुडिशरी को भी देखोगे जुडिशरी में भी लोग नहीं इलेक्ट uh, करते हैं एक वो बनता है वन सेकेंड द पेन हैज स्टॉप्ड टू वर्किंग ओके सो जुडिशरी भी देख लीजिए जो जजेस अपॉइंट हो रही हैं बेसिकली वो किसके बेसिस पे हो रही हैं कोलिजियम डिसाइड कर रहा है उसमें लोगों का कोई से नहीं है एग्जीक्यूटिव में भी लोगों का से डायरेक्टली नहीं है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर बनाते हैं हाँ लेकिन लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बेसिकली लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं इसलिए बोला जाता है कि अगर कॉम्पोजिशन देखी जाए हमारी पार्लियामेंट की तो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन वही है ठीक है इसके पास पावर क्या है कि चूज करे किसी गवर्नमेंट को और डिसमिस करे किसी गवर्नमेंट को क्योंकि चूज करने के लिए जैसे ही प्रेसिडेंट को लगता है कि इसके पास मेजोरिटी है और अगर कम भी मेजोरिटी है कोई बात नहीं फ्लो टेस्ट कराया जाता है पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि ये गवर्नमेंट बनेगी कि नहीं बनेगी और नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे पास करके आप गवर्नमेंट को डिसमिस भी कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास Why do we need two houses of parliament? एक house of parliament में क्या दिक्कत थी ये दो बनाने की क्या जरूरत थी Parliament का मतलब क्या होता है Please इसको याद रख लीजिएगा Parliament का मतलब होता है national legislature. Nation के लिए जो legislature है जो law making body है उसको बुलाया जाता है parliament. The legislature states के लिए क्या बुलाया जाता है उसको state legislature. Parliament जो India के अंदर है उसमें दो houses हैं वेन देर आर टू हाउस इज इन द लेजिस्चर उसको बुलाया जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर इसको बाई कैमरलिज्म बुलाया जाता है दो हाउसेज जो है इंडियन पार्लियामेंट के वो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस या राज्यसभा बोलते हैं और दूसरा छोटा हाउस जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल और द लोकसभा मैं छोटा और बड़ा कॉम्पोजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन जिस तरीके से बोला जाता था मैं उस बेसिस पर बता रहा हूँ कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अपर हाउस बुलाया जाता है और हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा को बुलाया जाता है लोअर हाउस कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को ऑप्शन दिया है कि या तो वो यूनी कैमरल रहें या बाय कैमरल रहें अब कहां पे यूनी कैमरल है कहां पे बाय कैमरल है हम देखेंगे आगे नोट्स में डोंट वरी अभी सिक्स स्टेट्स हैं जिनके पास बाय कैमरल लेजिस्लेचर है इसमें आंध्र प्रदेश बिहार ये सब स्टेट्स आते हैं ठीक है ओके वन सेकेंड आई थिंक दे हैव नॉट गिवन इट हियर ओके सो कौन से कौन से हैं आंध्र प्रदेश बिहार कर्नाटका महाराष्ट्र तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ये इतने बड़े स्टेट्स हैं कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बैठाया जा सके फॉर लॉ मेकिंग कंट्रीज जिनके पास लार्ज साइज होता है और इतनी डाइवर्सिटी होती है वो हमेशा प्रेफर करती हैं कि टू हाउसेस जो हैं उस पर नेशनल लेजिस्लेचर के दो हाउसेस हों ताकि रिप्रेजेंटेशन दी जा सके ऑल द सेक्शंस इन द सोसाइटी और रिप्रेजेंटेशन सभी ज्योग्रफिकल रीजन्स को भी दी जा सके बाई कैमरा कैमरा लेजिस्लेचर का एक और एडवांटेज है ठीक है कि ये क्या करती है कि जो भी डिसीजन किसी एक हाउस ने लिया होगा तो दूसरे हाउस के पास एक और पावर होती है टू री दैट डिसीजन ऑलमोस्ट ऑल द बिल्स अदर देन सम बिल्स लाइक मनी बिल्स बाकी सारे जो बिल्स हैं वो दोनों हाउसेस से सेम तरीके से ही पास होने चाहिए तो उससे क्या होता है कि आप एक ही डिसीजन जो किसी एक हाउस ने लिया है उसको रिकन्सिडर कर सकते हो हर डिसीजन जो एक हाउस लेता है वो दूसरे हाउस की तरफ जाता है इसका मतलब सभी बिल और पॉलिसी जो हैं वो दो बार डिस्कस की जाएंगी इससे क्या होता है डबल चेक और बैलेंसेस क्रिएट किए जाते हैं ताकि एक हाउस ऑल पावरफुल ना हो जाए ठीक है सभी मैटर पे डबल चेक किया जाता है इवन इफ वन हाउस टेक्स अ डिसीजन जल्दबाजी में अगर कोई डिसीजन ले भी लेता है तो वह डिसीजन जो है वह डिस्कशन के लिए आएगा दूसरे हाउस में और फिर रिकंसिडर किया जाएगा उसको एन अपर हाउस कुड परफॉर्म द यूजफुल फंक्शन ऑफ बींग रिवाइजिंग बॉडी और इट्स व्यूज मेक काउंट बट नॉट इट्स वोट दोड नॉट एंटर इन टू द रफ एंड टंबल ऑफ एक्टिव पॉलिटिक्स कुड एडवाइज द लोअर हाउस जैसे राज्यसभा है ठीक है बेसिकली उनकी बात कर रहे हैं तो बेसिकली वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में बेसिक इन्वॉल्व ना हो लेकिन फिर भी लोअर हाउस को एडवाइस कर सकते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे अपर हाउस की या इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है ठीक है तो उसको राज्यसभा जो है उसको हम देखेंगे अभी वन सेकेंड ओके तो ईच ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैज डिफरेंट बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन दोनों हाउसेस जो हैं दोनों में अलग बेसिस है रिप्रेजेंटेशन का लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से होती है और राज्यसभा में अलग तरीके से होती है जहाँ पे लोकसभा में नेशनल इलेक्शंस के थ्रू ये सेलेक्ट किए जाते हैं वहीं पे राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर ताकि स्टेट की भी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर हो राज्यसभा क्या करता है रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया ये एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है और इसके मेंबर्स भी उसी तरह चूज होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट स्टेट इलेक्ट मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं वहाँ से स्टेट करता है मेम्बर्स को इलेक्ट कहाँ पर राज्यसभा में फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है किसी स्टेट की तो वहां से जो उस स्टेट का हक बनेगा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन कि कितने

कि बेशक साइज़ या पॉपुलेशन कितना भी हो स्टेट का छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है इसको बुलाया जाता है सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कि कितना बड़ा कितना छोटा स्टेट क्यों ना हो सबके सेम मेंबर्स जाएंगे दूसरी तरफ क्या हो सकता है कि जो कंट्री है उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से हो इस जो, जो ये वाला है ना ये सेकेंड मेथड है इसका मतलब है जो रीजन या पार्ट जिनके पास लार्जर पॉपुलेशन और लार्जर साइज है उनके ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिवस होंगे सेकेंड चेंबर के अंदर कंपेयर टू द रीजन जहाँ पर लो पॉपुलेशन है यूएस के अंदर हर स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है सेनेट के अंदर वहां के पार्लियामेंट को सेनेट बुलाया जाता है इससे क्या होता है कि इक्वालिटी ऑफ ऑल द स्टेट्स उसको इंश्योर किया जाता है लेकिन इसका मतलब ये भी है कि स्मॉल स्टेट है उसका सेम रिप्रेजेंटेशन होगा एज़ कम्पेयर टू लार्जर स्टेट्स तो उससे लार्जर स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी तो सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया है राज्यसभा के लिए वो डिफरेंट है जैसे मैंने बताया यू से नंबर ऑफ मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं हर स्टेट से वो फिक्स किए जाते हैं शेड्यूल फ़ोर के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं शेड्यूल्स हैं ना बारह शेड्यूल्स उसमें फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा बताता है क्या हो अगर हम अमेरिकन सिस्टम ऑफ इक्वालिटी को फॉलो करें उत्तर प्रदेश जिसकी पॉपुलेशन 1998.12 लाख है उसको इक्वल सीट्स मिलेंगी कंपेयर टू सिक्किम जहां पे 6.10 लाख पॉपुलेशन है अब दे बताओ कैसे कंपेयर करोगे तो इसीलिए जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के उनको चाहिए था कि ये जो प्रॉब्लम है हम इसको फेस करके प्रिवेंट कर सकें जो लार्जर पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे और जो कम उस वाले स्टेट्स हैं पॉपुलेशन वाले उनको कम रिप्रेजेंटेशन मिलेगी इसलिए एक ज़्यादा पॉपुलर स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश 31 वन मेंबर्स को भेजता है राज्यसभा में वहीं पर जब सिक्किम में देखा जाएगा तो एक सीट भेजी जाती है राज्यसभा के अंदर ठीक है तो ऐसे कंपैरिजन किया है मेंबर्स जो है राज्यसभा के दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ सिक्स इयर्स छः सालों के लिए करते हैं और ये रीलेक्ट भी हो सकते हैं कितनी भी बारी ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा अपने जो टर्म्स हैं जैसे लोकसभा है वो पाँच साल में नहीं करते हैं देखा जाए तो जब आप कॉम्पोजिशन स्टार्टिंग से हुई है और अब देखा जाए तो बेसिकली ऑन एन एवरेज क्या होता है कि हर दूसरे साल वन थर्ड जो होते हैं राज्यसभा के मेंबर्स वो रिप्लेस हो जाते हैं या फिर दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं एवरी टू ईयर्स वन थर्ड ऑफ द मेम्बर्स ऑफ राज्यसभा ये हो जाते हैं दोबारा ठीक है और फिर उसके बाद फिर वो वन थर्ड सीट्स के लिए जो है इलेक्शंस uh, होते हैं तो राज्यसभा कभी भी पूरी तरह डिजॉल्व नहीं होती जैसे लोकसभा इसको इसलिए बुलाया जाता है परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एडवांटेज इसका ये है कि जब भी लोकसभा भी अगर डिसॉल्व हो जाए और इलेक्शंस होने वाले हों तो मीटिंग ऑफ राज्यसभा जो है वो बुलाई जा सके और अर्जेंट बिजनेस है उसको कंडक्ट किया जा सके जब भी कोई चीज़ पर डिस्कशन करना है कुछ भी तो उसमें भी बेसिकली ताकि एक हाउस एटलीस्ट रहे जो अर्जेंट uh, बिजनेस अगर हो कोई कोई एकदम से इशू आ गया कंट्री में तो उस पर डिस्कशन हो सके अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं जो कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ये कौन होते हैं लोग जो चार फील्ड से होते हैं मैं इसको बुलाता हूँ एल ए डबल एस ठीक है एल ए डबल एस लिटरेचर आर्ट साइंस एंड सोशल सर्विस इन चारों से आते हैं क्लास का सी हटा दो लास्ट उससे होता है लिटरेचर आर्ट साइंस एंड सोशल सर्विस ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था देन कम्स द लोकसभा ठीक है उसके बाद लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों की तरफ से इलेक्शन के पर्पस के लिए पूरी कंट्री को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है और वहाँ से बहुत सारे लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर उनमें से एक चूज़ होता है और जाके लोकसभा में बैठ जाता है फॉर दैट कॉन्स्टिटुंसी ठीक है वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूवेंसी किस बेसिस पे यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मतलब 18 साल से ऊपर वाले सभी लोग वोट देंगे ठीक है अभी प्रेजेंट के लिए देर आर 543 फोर्टी थ्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज और नंबर अभी तक चेंज नहीं हुआ है सिंस 1971 सेवनटी वन सेंसस तो अगर आपसे यूपीएससी में पूछा जाए दैट द एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा इज बेस्ड ऑन विच सेंसस तो नाइन सेवनटी वन सेंसस से ही डिसाइडेड है फाइव फोर्टी थ्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी लोकसभा हर पाँच साल में जनरल इलेक्शन होते हैं ज़रूरी नहीं है हर पाँच साल में हो बहुत बार नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू के तहत भी इसको बढ़ाया जा सकता है वक्त को दिस इज़ द मैक्सिमम, उसके बाद बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जहाँ पर ज़रूरी है कि एक्सटेंड करना पड़ रहा है लोकसभा को तब किया जाता है बाकी नॉर्मली जो है पाँच साल मैक्सिमम होते हैं ठीक है अब हमने एग्जीक्यूटिव में क्या देखा था कि लोकसभा पहले भी डिज़ोल्व की जा सकती है अगर कोई पार्टी या कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बना रही है या फिर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि सुनो लोकसभा को डिज़ोल्व करो और नए इलेक्शन सेट करो तो एकदम से प्रेसिडेंट पूरी लोकसभा को डिज़ोल्व कर देता है और इलेक्शन को दोबारा कर सकता है ये केसेस कैसे बन सकते हैं जैसे मान लीजिए सरकार है सरकार को तीन साल हो गए हैं सरकार को ऐसा लग रहा है कि उसकी पॉलिसीज़ है उसके बारे में धीरे धीरे ना अब गलत प्रचार होने शुरू हो रहे हैं तो सरकार क्या करेगी एक बहुत ही बड़ा नेशनल एक्ट निकालेगी कोई ऐसी चीज़ करेगी जिससे वो बहुत सारी पॉपुलेशन है सेक्शन है उसको उसको यू नो you know, फायदा पहुंचाए या उसका फ़ायदा करे और उसके बाद तभी के तभी प्रेसिडेंट को बोल दे कि भाई अब जो है हमारी आ, जो सरकार है उसके लिए जो यू नो you know, जो अभी सोच रहे हैं लोग उसके बारे में ठीक है वो बहुत पॉजिटिव हैं और पता नहीं दो साल बाद जब पाँच साल पूरे हो जाएंगे गवर्नमेंट को कि वो रहेगा भी नहीं तो आज बहुत अच्छे सेंटिमेंट है लोगों के हमारी सरकार के लिए प्रेसिडेंट को बोलेगा भाई लोकसभा गिराओ और दोबारा फटाफट इलेक्शन करा लो तो उससे क्या होगा आज जो सेंटिमेंट सरकार के लिए अच्छे हैं जो शायद दो साल बाद ना रहे होते तो आज ही वो करा देगी इलेक्शंस और दोबारा फिर पाँच साल के लिए वो सरकार चल सकती है तो इस केसेस में किया जाता है ये ठीक है वॉट डज द पार्लियामेंट डू पार्लियामेंट करती क्या अब ये देखते हैं फंक्शन क्या है दोनों लेजिस्लेचर का या लेजिस्लेचर का और उसमें दोनों हाउसेज जो हैं क्या उनके पास सिमिलर फंक्शन हैं ये हमें पता है, नहीं है इज देर आर डिफरेंस इन पावर्स ऑफ द टू हाउसेज यस देर आर डिफरेंसिस लॉ मेकिंग के अलावा बहुत सारे फंक्शंस में पार्लियामेंट इंगेज होती है जैसे लेजिस्लेटिव फंक्शंस वो लेजिस्लेशन बनाती है पूरी कंट्री के लिए और चीफ़ लॉ मेकिंग बॉडी होने के साथ साथ पार्लियामेंट्री जो है वो कभी कभी सिर्फ लेजिस्ेशन्स को अप्रूव करती है द एक्चुअल टास्क जो होता है किसी बिल को ड्राफ्ट करने का वो ब्यूरोसी करती है ठीक है अंडर द प्रोविजन ऑफ मिनिस्टर कंसर्न जैसे कल को अगर आप यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं एज अ सिविल सर्वेंट तो जब आप कुछ टाइम बाद सेक्रेटेरिएट में जाके काम करने लगेंगे और फिर उसके बाद सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी और सब पे जाओगे तो वहां पे क्या होगा आप होगे जो लॉ मेकिंग का, का काम करोगे आप जिस मिनिस्ट्री के अंदर होगे सेक्रेटरी वहां पर बोला जाएगा कि इस डिसीजन पर हमें कुछ करना चाहिए तो आप लॉ बनाओगे तो जो भी इस बात से फैसिनेटेड है कि यार लॉ मेकिंग करनी है हमें हमें इस कंट्री के लिए बहुत अच्छे लॉज बनाने हैं तो बेसिकली दिस इज़ द रूट दैट यू शुड टेक और उसके बाद आप लॉ मेकिंग के लिए जा सकते हो आगे तो बेसिकली मिनिस्टर्स के अंदर जो सेक्रेटरीज होते हैं या ब्यूरोसी जिसको आप बुला सकते हो वो बनाते हैं बिल्स ठीक है और उसके बाद जो सब्सटांस है और जो टाइमिंग होती है बिल की वो कैबिनेट डिसाइड करती है कोई भी मेजर बिल जो होता है पार्लियामेंट में वो बिना कैबिनेट के अप्रूवल के नहीं किया जाता अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है लेकिन ये नॉर्मली चलता है मेंबर्स मिनिस्टर्स के अलावा जो होते हैं वो भी इंट्रोड्यूस बिल कर कर सकते हैं किसी बिल को इंट्रोड्यूस लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं इनके पास होने का एंड उससे क्यों होगा बेसिकली क्योंकि किसी बिल को पास करने के लिए मेजॉरिटी चाहिए अब मेजॉरिटी क्योंकि गवर्नमेंट की है तो जो प्राइवेट मेंबर्स हैं जो मिनिस्टर्स नहीं हैं उनको प्राइवेट मेंबर्स बुलाया जाता है अब वो क्योंकि गवर्नमेंट का पार्ट ही नहीं है अगर वो कोई बिल निकालेंगे और सरकार को लगता है कि यार ये क्यों बिल निकाल रहा है तो वो बिल रद्द हो जाएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ठीक है ठीके? या कभी कभी बिल्कुल भी चांस नहीं होते कि ये पास भी होगा कि नहीं विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट उसके बाद एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है और उसकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है ठीक है तो जरूरी है समझना ये कि वाइटल फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का वो इंश्योर करना है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो अपनी अथॉरिटी से आगे बढ़ के कुछ काम नहीं करने लग जाए और रिस्पॉन्सिबल रहे टू द पीपल हु है इलेक्टेड देम, ठीक है अब हम अच्छे तरीके से इस फंक्शन को आगे देखेंगे फाइनेंशियल फंक्शन देखा जाए तो गवर्नमेंट इज अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन वेरियस मैटर्स बजट होता है उसमें पूरा वो जाता है लेकिन ये मनी आता कहाँ से है हर गवर्नमेंट जो है वो रेज़ करती है रिसोर्स को टैक्सेशन के थ्रू लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लेजिसलेचर जो होती है वो टैक्सेशन को कंट्रोल करती है मतलब ऐसा नहीं है कि आपके मन में जो आए साल में आप अपना बिल निकालते वो बिल पास करें और पैसा फेंकते रहें ऐसा नहीं हो सकता डेमोक्रेसी के अंदर लेजिस्लेचर टैक्सेशन को कंट्रोल करती है और किस तरीके से ये टैक्सेशन वाला मनी यूज़ होगा गवर्नमेंट की तरीके से उसको भी कंट्रोल करती है अगर गवर्नमेंट है इंडिया का अगर वो इंट्रोड्यूस करती है किसी नए टैक्स को तो उसको लोकसभा से अप्रूव कराना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं लिखा है यहाँ लिखा है राज्यसभा नहीं लिखा लोकसभा लिखा है इसका मतलब राज्यसभा नहीं सिर्फ लोकसभा से अप्रूवल लेना पड़ेगा फाइनेंशियल पावर जो है पार्लियामेंट की उसमें ग्रांट ऑफ रिसोर्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट को ताकि वो अपने प्रोग्राम से कर सके वो पार्लियामेंट देती है गवर्नमेंट हैज़ टू गिव एन अकाउंट टू द लेजिस्लेचर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि जो मनी है उसने कैसे स्पेंड किया है और वो कितना इस टाइम पे पैसा उठाना चाहती है तो वो जो है बेसिकली उसको लेजिस्लेचर को बताना पड़ता है वो ठीक है और लेजिस्लेचर भी इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा ज़्यादा ना स्पेंड कर दे या कम ना स्पेंड करे इस चीज़ को भी ध्यान देने की उसकी ज़िम्मेदारी है किसकी लेजिस्लेचर की वो कैसे होता है बजट और एनुअल फिनंशल स्टेटमेंट जिसको बुलाया जाता है तो वो जो आपका भी होने वाला है थोड़े दिनों में बल्कि हो भी गया है बस इलेक्शन की वजह से क्या हुआ है सॉरी सॉरी uh, तो इलेक्शंस की वजह से क्या है कि पूरा नहीं आता है इस बार इंटरिम बजट बोले के उसको निकाला जाता है इलेक्शन ईयर के अंदर ठीक है जब इलेक्शन हो जाएंगे तब दोबारा बिल आएगा आधे साल के लिए ठीक है उसके बाद क्या है वन सेकेंड ठीक है रिप्रेजेंटेशन भी अगर देखी जाए तो लेजिस्लेचर का बहुत बड़ा रोल है वो डाइवर्जेंट व्यूज जो हैं मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजनल सोशल इकोनॉमिकल रिलीजियस ग्रुप्स उन सब से डिफरेंट डिफरेंट व्यूज जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं लेजिस्लेचर के अंदर एक डिबेटिंग फंक्शन भी बहुत अच्छा है पार्लियामेंट जो है वो हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिबेट है कंट्री के अंदर इसके पास कोई लिमिटेशन नहीं है ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन मेंबर्स जो है उनके पास इम्यूनिटी होती है ताकि वो किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सके विदाउट फियर उनको ये नहीं है कि जेल में ले जाएंगे इस बात के बोलने के लिए वो स्पीकर का काम है उसको के अच्छे तरीके से कंट्रोल रखें ये क्या करता है पॉसिबल करता है पार्लियामेंट के कि किसी भी इशू को एनालाइज़ कर सकते हैं जो भी नेशन में हो रहे होते हैं ठीक है दीज डिस्कशंस ये जो डिस्कशन हैं ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक ठीक okay. मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है इनके पास पावर्स हैं ताकि ये डिस्कस कर सकें और इैक्ट कर सकें चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंट पावर्स हैं हाउसेस की दोनों हाउसेस की दे आर सिमिलर दोनों में यू uh, नो you know, बिल को पास किया जाता है सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं वो अप्रूव किए जाते हैं बाय स्पेशल मेजॉरिटी दोनों हाउसेस के अंदर ये होना चाहिए इलेक्टोरल फंक्शंस देखे जाएं तो पार्लियामेंट के पास फंक्शंस uh, होते हैं कि वो इलेक्शंस करा सकें किसके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट होती है वो इन्वॉल्व होती है लेजिसलेचर इन्वॉल्व होती है जुडिशल फंक्शन देखे जाएँ तो पार्लियामेंट के पास फंक्शन होते हैं कि वो प्रपोज़ल्स देख सके किसके रिमूवल ऑफ़ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट इनके यू नो रिमूवल के लिए जो प्रोपोजल्स uh, आते हैं उनको देखने का काम भी पार्लियामेंट के अंदर होता है तो जुडिशल फंक्शंस भी होते हैं तो देखा आपने कितने डिफरेंट तरीके के फंक्शंस होते हैं और किस तरीके से जो लेजिस्लेचर uh, है वो कोशिश करती है रिप्रेजेंट करने की पूरी कंट्री के लोगों को देन कम्स पावर्स ऑफ राज्यसभा अभी हमने देखा था कि जो फंक्शंस हैं पार्लियामेंट के ठीक है uh, जो करती है वो उसको हमने देखा है कैसे कैसे जो फंक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के वो किए जाते हैं उसकी तरफ से हाउएवर अगर बाय कैमरा लेजिस्लेशचर में देखा जाए तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं पावर्स के दोनों हाउसेज के बीच में अब हम देखेंगे नीचे लोकसभा और राज्यसभा के बीच में पावर्स में डिफरेंस क्या है जैसे लोकसभा जो है वो यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट दोनों पे बना सकती है लॉज और साथ में इंट्रोड्यूस भी कर सकती है और इनैक्ट कर सकती है मनी एंड नॉन मनी बिल्स दोनों ठीक है यहाँ पे क्या है कंसीडर करती, करती है और अप्रूव करती है नॉन मनी बिल्स को और उसके बाद जो है उसको क्लियर करती है या फिर नहीं करती है लेकिन जब मनी बिल्स की बात आती है तो उसके पास ये पावर नहीं है कि वो उसको अप्रूव करे उसके पास सिर्फ अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करने की पावर होती है कि आप सर ये थोड़ा सा मनी बिल में चेंजेस कर लीजिए लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा को मानना पड़ेगा वो लोकसभा की मर्ज़ी है माने या ना माने वो उसको बिना उनकी रिकमेंडेशंस माने भी पास कर सकते हैं अप्रूव uh, करते हैं प्रपोजल्स फॉर टैक्सेशन बजट और जो एनुअल फिनंशियल स्टेटमेंट है उसके लिए अप्रूवल देते हैं यहाँ पे क्या होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल uh, अमेंडमेंट्स को अप्रूव करते हैं बाकी इन सब चीज़ों पे अप्रूवल का कोई नहीं होता उसके अंदर राज्यसभा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को अप्रूवल देते हैं राज्यसभा और लोकसभा भी अप्रूवल देता है दोनों इसमें इसमें सेम होते हैं दोनों में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है वो पावर सेम है इनमें इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग द क्वेश्चन ठीक है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उन क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन होता है उस पर आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछना रेजोल्यूशन एंड मोशंस किस तरीके से कंट्रोल करती है थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकिन क्योंकि परमानेंट हाउस है राज्यसभा और नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हो सकता वहां पे कि गवर्नमेंट गिरा दी तो पूरा हाउस गिर गया वहां पे आप कंट्रोल कर सकते हो एग्जीक्यूटिव को सिर्फ क्वेश्चंस पूछ के इंट्रोड्यूस करके मोशंस और रेजोल्यूशंस को नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ से आप कंट्रोल नहीं कर सकते ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं और हमने वहां देखा था वो भी होते हैं यहां पे इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करने का काम है लोकसभा के पास ठीक है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है और वाइस प्रेसिडेंट को दोनों को इलेक्ट करती हैं और रिमूव करती हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ये सब पावर जो हैं ये लोकसभा के पास हैं और साथ में ये राज्यसभा के पास भी है इस एस्टैब्लिश कमिटीज़ एंड कमीशन्स और उनकी रिपोर्ट्स को देखने का काम करती हैं यहाँ पे देखा जाए तो ये पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन और रिमूवल में जो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी वो इन ये सिर्फ राज्यसभा के पास एक्स्ट्रा पावर आ जाती है कि सिर्फ वही जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके रिमूवल के प्रोसीजर को पास कर सकती है और इनिशिएट कर सकती है शुरुआत जो होती है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो राज्यसभा के पास ही है लोकसभा के पास तो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के लिए पास होने जाती है अदरवाइज स्पेशल मेजॉरिटी से पास की जाती है राज्यसभा में और शुरुआत भी राज्यसभा में की जाती है जब वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के प्रोसीजर की बात होती है इट कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट इनके पास और भी पावर्स होती है कि अगर किसी स्टेट लिस्ट पे जो पार्लियामेंट का काम नहीं है लेकिन स्पेशल सरकमस्टांसिस में अगर राज्यसभा को लगता है किसी एक स्पेशल स्टेट के लिए आपको बेसिकली एक लॉ बनाने की ज़रूरत है तो वो बोलती है पार्लियामेंट को कि यार प्लीज़ इस स्टेट लिस्ट के इस आर्टिकल पे लॉ बनाया जाए तो राज्यसभा से किया जाता है वो स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा आप देख लेते हैं हमने देखा कि राज्यसभा एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है इसका मेन पर्पस है टू प्रोटेक्ट पावर्स ऑफ द स्टेट्स स्टेट की पावर्स को प्रोटेक्ट किया जाए देयरफॉर जो भी मैटर जो होता है अफेक्ट करता है स्टेट को वो इसके पास से जाना चाहिए फॉर इट्स कंसेंट एंड अप्रूवल और जो हमने देखा कि जो बिल्स वगैरह भी होते हैं ठीक है ये सब भी उससे निकलते हैं राज्यसभा भी पास करती है उसको बेसिकली ठीक है इसलिए जब यूनियन पार्लियामेंट होती है किसी मैटर को रिमूव करना है स्टेट लिस्ट से ओवर विच ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ टू तो ईदर द यूनियन लिस्ट और द कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन तो अप्रूवल ऑफ राज्यसभा इज नेसेसरी मतलब अगर कनकरेंट लिस्ट में यूनियन लिस्ट में इन दोनों लिस्ट में अगर किसी मैटर को डालना है जो ऑलरेडी एक स्टेट लिस्ट में है तो उसमें राज्यसभा का अप्रूवल जरूरी है इससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ जो है वो मिलती है राज्यसभा को ताकि वो स्टेट्स की जो वो हैं इंटरेस्ट हैं उनको सेफ कर सके हाउएवर एक्सपीरियंस दिखाता है कि मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के वो अपने पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं मोर देन दे रिप्रेजेंट डे स्टेट्स ठीक है ये इशू है एक पावर्स जो सिर्फ लोकसभा के पास हैं वो हैं कि देर पावर्स दैट ओनली द लोकसभा एक्सरसाइजेज द राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट इनिशिएट नहीं कर सकता रिजेक्ट नहीं कर सकता या बदल नहीं सकता किसी मनी बिल को सिर्फ सजेशंस दे सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं राज्यसभा को नहीं होते इसलिए राज्यसभा है इट कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट लेकिन कभी उसको रिमूव नहीं कर सकती सोचा है क्यों क्योंकि राज्यसभा जो है वो इलेक्ट की जाती है ऑलरेडी इलेक्टेड स्टेट लेजिस्टिव असेंबली के एम से और लोगों की तरफ से नहीं इलेक्ट की जाती इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ठीक है सोचा कि ज़्यादा पावर्स जो हैं लोकसभा के पास होने चाहिए क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है वहाँ पे लोगों की इसलिए राज्यसभा के पास थोड़ी कम होनी चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर देखेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट की है तो लोगों के पास फाइनल अथॉरिटी है ये तो हमने देखा था पहले चैप्टर्स में इस लॉजिक से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों की तरफ से उनके पास ज्यादा पावर्स होनी चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट को रिमूव कर सकें और जो फाइनेंसिस हैं गवर्नमेंट के उनको भी कंट्रोल कर सकें बाकी सब स्फियर में जैसे नॉन मनी बिल्स है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हैं इम्पीचमेंट करनी है प्रेसिडेंट की रिमूव करना है वाइस प्रेसिडेंट को तो जो पावर्स होती हैं लोकसभा और राज्यसभा की वो इक्वल होती हैं ठीक है वन सेकेंड यस हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज बेसिक फंक्शन जो हमने देखा था लेजिसलेचर का वो क्या होता है टू मेक लॉस फॉर दिट्स पीपल ठीक है अ डेफिनेट प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है लॉ बनाते वक्त कुछ प्रोसीजर्स हैं जो लॉ मेकिंग के वो मैंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेकिन कुछ जो हैं हमने इवॉल्व किए हैं कन्वेंशंस कन्वेंशंस का मतलब कि शुरुआत हुई ऐसे पास करने की तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है एक जिस तरीके से आप पास होते हैं वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है लेकिन थोड़ा सा एक बार कुछ चेंज को देखा जाता है और वो लगातार फिर फॉलो कर लिया जाता है नॉर्मली तो उसको बोलते हैं कन्वेंशन फॉलो अ बिल थ्रू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड यू विल क्लियरली सी के लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो टेक्निकल और बहुत बार बहुत ख़तरनाक तरीके से भी पास होने वाली चीज़ें होती हैं क्या होता है कि लोगों का इनपुट आया ठीक है अब इन सब चीज़ों में जाती हैं जैसे मान लीजिए एक बिल आया अच्छा पीपल्स इनपुट्स नहीं है लेट मी टेल यू कि वो कब आता है किस स्टेप में आता है पीपल्स इनपुट्स ठीक है लेट्स सी फर्स्ट हम नेक्स्ट अलग कलर का पेन ले लेते हैं पहली बात करते हैं बिल बिल इंट्रोड्यूस हुआ कैबिनेट ने सोचा कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करना है अगर नॉन मनी बिल है तो दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है अदरवाइज मनी बिल है तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा उसके बाद बिल को एक कमेटी को भेजा जाता है डिस्कस करती है और एक कमेटी हाउस के अंदर ही होती है कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है जो कि पब्लिक जो है आ, पब्लिक के अंदर भी उस आगे आ, जो है लॉ के बारे में डालती है ताकि पब्लिक के रिएक्शंस भी लिए जा सकें ठीक है तो इसको बोलते हैं पब्लिक डोमेन के अंदर किसी लॉ को डालना कि लोगों के भी उसमें थोड़े व्यूज़ आएँ और उसे पता चले तो लोगों के इनपुट्स लेकर कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है अब इसको जरूरी नहीं है कि हाउस एक्सेप्ट करे या ना करे उसमें भी ज़रूरी नहीं है तो हाउस मे और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट उसके बाद डिटेल डिस्कशन होती है हाउस के अंदर किसी भी रिपोर्ट की वो सॉरी बिल की बिल या तो एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है अगर एक्सेप्ट किया गया तो फिर उसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है ठीक है दूसरा हाउस जो है वो अप्रूव करता है या रिकमेंडेशनस देता है कि इसको करो ठीक है अब उसमें दो चीज़ें होती हैं अगर किसी एक हाउस ने बोल दिया कि यार हम पास नहीं कर रहे हैं और ये बिल स्टक हो गया तो ऑर्डिनरी बिल्स की अगर बात करें सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स में मनी बिल्स में भी नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में भी नहीं सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज में ऐसा होता है ऑर्डिनरी बिल्स में कि जॉइंट सेशन पार्लियामेंट की कर, करा सकते हैं कौन प्रेसिडेंट और इसको आ, इसका हेड कौन होगा स्पीकर होंगे तो जैसे ही वो बैठेगी ज्वाइंट सेशन्स ऑफ पार्लियामेंट ठीक है तो उसके अंदर कौन होगा आपके जो हेड होंगे जो उसको लीड करेंगे वो होंगे स्पीकर अगर जॉइंट सेशन की ज़रूरत ना पड़ेगी तो क्या होगा कि प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट अगर उसको पास कर देता है तो बिल बन जाता है लॉ बस इतना समझने की ज़रूरत है इसके बीच में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं वो हम डीपली इतना यहां पे नहीं पढ़ेंगे हम आगे पढ़ेंगे ऑफकोर्स नेक्स्ट आता है अब बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ दी प्रोपोज्ड लॉ एक प्रोपोज लॉ जो बनता है जिसको आप जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल की बात चल रही है पहले वो बिल होता है और जब वो पास हो जाता है तो वो बनता है एक एक्ट बिल ठीक है वेन पास्ड ठीक है ये क्या बन जाता है एक्ट ठीक है सो दिस इज हाउ इट वर्क्स नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बिल्स वन सेकेंड आई थिंक एन सी आर टी सीआरटी देर इज सो मच ओके बिल्स होते हैं एक होते हैं गवर्नमेंट बिल्स जो कैबिनेट के बिहाफ़ मतलब कैबिनेट करती है पूरी गवर्नमेंट के बिहाफ से फिर होते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल जो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं उनको बोला जाता है प्राइवेट मेंबर्स बिल फिर होता है नॉन मनी बिल्स और मनी बिल्स इन सब में डिवीज़न होती है नॉन मनी बिल्स में आते हैं ऑर्डिनरी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो ये होते हैं बिल के तरीके के कौन से कौन से तरीके के बिल्स होते हैं जैसे बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले पार्लियामेंट में देयर मे बी अ लॉट ऑफ डिबेट ऑन द नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग सच बिल बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एक बिल बेशक आया भी ना हो किसी एक इशू पे डिस्कशन हो रही है और पार्लियामेंट में ऐसी बात हो रही है कि यार आ, मतलब एक इस यू नो you know, इस इशू के लिए एक लॉ होना बहुत ज़रूरी है तो उस डिस्कशन के बाद भी गवर्नमेंट को लग सकता है कि हाँ यार हमें इसमें लॉ लेके आना चाहिए तो गवर्नमेंट उसमें लॉ लेके आती है फिर एक पॉलिटिकल पार्टी है प्रेशराइज़ कर सकती है गवर्नमेंट को किसी बिल को इनिशिएट करने के लिए ताकि जो इलेक्शन प्रोमिसज़ हैं जो उन्होंने किए थे उसको पूरा करें वो और इम्प्रूव करें उनके चांसेस ताकि वो जीत सकें आगे आने वाले इलेक्शंस में इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं मीडिया होती है एंड सिटीजन्स फोरम जो होते हैं वो भी परसुएट करते हैं गवर्नमेंट को कि एक पर्टिकुलर लॉ लाना चाहिए लॉ मेकिंग तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ़ एक लीगल प्रोसीजर नहीं है बट एक पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन भी है उससे पॉलिटिकली भी बहुत सारी चीज़ें हल होती है प्रिपरेशन जो होती है बिल की उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं सच एज़ दी रिसोर्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द लॉ क्या क्या, -क्या चीज़ें चाहिए होंगी हमें इस लॉ के लिए द सपोर्ट या फिर ऑपजिशन जो है जो बिल के लिए प्रोड्यूस होगी पार्लियामेंट के अंदर इम्पैक्ट जो लॉ लाएगा ठीक है इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी बहुत बार लॉज इसलिए नहीं ले, ले जाते कि सेंटीमेंट्स हर्ट ना हो और वोट बैंक जो है वो खत्म ना हो तो ये इलेक्ट्रोल प्रोस्पेक्ट का मतलब है वोट बैंक वोट बैंक ठीक है इन दी एरा ऑफ कॉलिशन के एरा के अंदर क्या हुआ था जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसमें कोई भी बिल प्रपोज करना गवर्नमेंट के लिए वो ज़रूरी है कि सभी से एक्सेप्टेबल हो टू ऑल द पार्टनर्स क्योंकि एक को भी अगर पसंद नहीं आया तो वो अगर सपोर्ट ही नहीं करेगा तो बिल पास ही नहीं हो पाया तो दिक्कत है तो इन ये जो प्रैक्टिकल कंसिड्रेशन हैं दे कैन हार्डली बी इग्नोर्ड कैबिनेट जो है कंसीडर करता है इन सब चीजों को बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन टू इनएक्ट द लॉ कि लॉ को इनएक्ट करना भी है कि नहीं ठीक है तो कैबिनेट डिसाइड करता है और कैबिनेट में क्या होता है कि जो डिफरेंट कोलिशन की जो पार्टीज होती हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है कैबिनेट में और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं इस लॉ को लाना है कि नहीं अगर कोई एक नहीं मान रही है कोलिशन पार्टी जो है पूरे गवर्नमेंट के अंदर तो फिर वो लॉ का निकलना और इैक्ट कराना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर आज जो हम आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए अलायंस की बात कर रहे हैं जिसको मैं डॉट uh, अलायंस बोलता हूं उनके साथ इशू यही होगा कि अगर वो कल को क्लियर भी कर लेते हैं इलेक्शन और जीत जाते हैं तो कोई भी लॉ लाना उनके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पॉलिशन की एक पार्टी बोलेगी भाई मैं पीछे सपोर्ट ले लूँगी अगर आपने ये बिल निकाला तो ठीक है तो एक बार जब कैबिनेट अप्रूव करता है किसी पॉलिसी को लेजिस्लेशन के लिए तो जो टास्क होता है ड्राफ्टिंग का वो चालू होता है कि अब जो है हम इसको लेजिस्लेशन को ड्राफ़्ट करना शुरू करेंगे किसी भी ड्राफ्ट किसी भी बिल का जो ड्राफ़्ट होता है वो कंसर्नड मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है इसका मतलब कोई ऐसी स्कीम कोई ऐसा लॉ लाना है अगर तो अगर उसको उसके लिए यू नो लेजिस्लेशन या बिल बनाना पड़ेगा तो उसके लिए जो मिनिस्ट्री उसमें कंसर्नड है उसके सेक्रेटरीज जो हैं उसकी ब्योक्रेसी वो काम करते हैं जैसे अगर बिल कोई निकालना है जिसमें मैरिजेबल एज है गर्ल्स की 18 से 21 लेके जाना है तो उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो मिनिस्ट्री जो है वो करेगी ठीक है और साथ में लॉ मिनिस्ट्री भी साथ में देगी उनका पार्लियामेंट के अंदर अब बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में बाय द मेंबर ऑफ हाउस लेकिन एक मिनिस्टर ही होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस द बिल ठीक है लेकिन अक्सर क्या होता है या बहुत बार या मान लो ऑलमोस्ट हर बार क्या होता है जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है उस सब्जेक्ट के लिए जैसे वुमेन के लिए तो मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो वो जो होते हैं वही इंट्रोड्यूस करते हैं इस बिल को लेकिन जो मनी बिल है वो सिर्फ इंट्रोड्यूस लोकसभा में हो सकता है और वहां पास हो गया तो फिर राज्यसभा में भेजा जाता है अ लार्ज पार्ट ऑफ डिस्कशन जो होता है बिल्स पे वो लिया जाता है कमेटीज़ के अंदर तो रिकमेंडेशन जो है कमेटी की वो भेजी जाती है हाउस के अंदर इसलिए कमेटीज़ जो हैं उनको मिनिएचर लेजिस्टर्स भी बुलाया जाता है ये एक सेकेंड स्टेज होती है इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस थर्ड और फाइनल स्टेज के अंदर क्या होता है बिल पे वोट किया जाता है और अगर नॉन मनी बिल हो तो पास किया जाता है एक बिल से और भेजा जाता है दूसरे हाउस के पास और वहाँ पे अगर पास हो जाता है सेम प्रोसीजर के साथ तो वो एक्ट बन जाता है ठीक है अगर कोई डिसएग्रीमेंट होती है दो हाउसेज के बीच में किसी बिल के ऊपर तो अटेम्प्ट लिया जाता है कि ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बनाई जाए कुछ इंस्टेंसिस में क्या होता है जॉइंट सेशंस होते हैं जो पार्लियामेंट के देवर कॉल्ड टू रिजॉल्व अ डेड लॉक डेड लॉक जो हो जाता है किसी लॉ को पास करने के दौरान उसको सॉल्व करने के लिए ठीक है तो हमेशा जो है डिसीजन वो फेवर में जाता है किसके लोकसभा में पहली बात तो ये कि उसको हेड कौन करेगा स्पीकर और सबसे मेन पॉइंट जो है उसमें क्या है कि अगर आप दोनों लोगों को इकट्ठे कर दोगे तो 500 अगर इसके हैं ठीक है और 250 अगर इसके हैं ठीक है तो सॉरी फाइव तो मैं ट्वेंटी मान के चलता हूँ तो क्या है मेजोरिटी किसके पास है लोकसभा के पास तो लोकसभा अगर मेजोरिटी लोकसभा के पास है तो जॉइंट सेशन जब भी होगा तो ज़्यादा वोट किसके पास होंगे लोकसभा के पास होंगे तो कौन जीतेगा लोकसभा लोकसभा के फेवर में जाता है अगर ये मैनी बिल है तो राज्यसभा के पास या तो अप्रूव करने की ताकत होती है या कुछ सजेस्ट कर सकता है वो चेंजेस के करने चाहिए आपको और वो वापस भेज सकता है लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता बिल को इफ इट टेक्स नो एक्शन अगर ये कोई एक्शन ना ले और रखा रह जाए राज्यसभा में तो चौदह दिनों के अंदर जो है वो बिल पास हो जाता है और जो अमेंडमेंट्स होती हैं बिल की जो बोलते हैं कि यार इस बिल में थोड़ा चेंजेस कर दो जो राज्यसभा बताती है वो जरूरी नहीं है कि लोकसभा को एक्सेप्ट करना पड़े या ना पड़े वो अपनी मर्जी से कर भी सकती हैं एक्सेप्ट नहीं भी कर सकती हैं एक्सेप्ट तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कोई ऐसा ऑब्लीगेशन नहीं कि करना ही पड़ेगा आपको एक्सेप्ट अब जैसे आर्टिकल 109 क्या बोलता है देर आर स्पेशल प्रोसीजर जब मनी बिल्स की बात होती है तो अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब मनी बिल सिर्फ जो लोअर हाउस है लोकसभा है हाउस ऑफ द पीपल जिसको बुलाया जाता है सिर्फ वहीं पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मनी बिल को जब बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस से तो वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उसकी असेंट के लिए वो उसमें हामी देता है और असेंट जो है प्रेसिडेंट की उससे क्या होता है बिल क्या बन जाता है लॉ बन जाता है तो एक बिल को एक्ट बना दिया जाता है जैसे ही उसको हामी मिल जाएगी किसकी तरफ से प्रेसिडेंट की तरफ से, से. ठीक है अब पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल कर सकता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एग्जीक्यूटिव जो होता है वो उस पार्टी से या कोलिशन ऑफ पार्टी से निकाली जाती है एग्जीक्यूटिव जिसकी मेजोरिटी होती है लोकसभा में इसलिए डिफ़िकल्ट नहीं है एग्जीक्यूटिव के लिए कि एक्सरसाइज करे अनलिमिटेड एंड आर्बिट्ररी पावर्स विद द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी पार्टी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर उनके पास मेजॉरिटी पार्टी का सपोर्ट है ही तो उसके बाद तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी किसी लॉ को पास करने में इस सिचुएशन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैबिनेट डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकती है जहाँ पे कैबिनेट लीड करता है पूरे हाउस को और जो हाउस है वो सिर्फ फॉलो करता है लेकिन अगर सिर्फ पार्लियामेंट एक्टिव और विजिलेंट हो जाए तो वो रेगुलर और इफेक्टिव चेक्स एंड बैलेंसेस रख सकती है एग्जीक्यूटिव के अंदर ये नहीं कि बस हार मान लो कि उनके पास मेजोरिटी है वो तो लॉ पास कर ही लेंगे तो आप कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहे जरूरी है आपको डिस्कस discuss करना डिस्कशन करना बहुत जरूरी है बट बेसिक टू देम ऑल इज द पावर एंड फ्रीडम ऑफ द लेजिस्लेचर्स एज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव टू वर्क इफेक्टिवली एंड फीयरलेसली ज़रूरी है कि पावर और फ्रीडम जो है लेजिस्लेचर वो अपनी बनाए रखें और पीपल uh, रिप्रजेंटेटिव जो हैं वहाँ पर उनको इफेक्टिवली और बिना डरे काम करना चाहिए जैसे नो एक्शन कैन भी टेकन अगेंस्ट अ मेंबर फॉर वट एवर द मेम्बर हैव सेड इन द लेजिस्चर मैंने बताया था ये इम्यूनिटी है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी बोलोगे uh, पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेचर के अंदर तो उसमें आपके उस एक्शन के लिए आपको यू नो you know, आपके खिलाफ कुछ ऐसा नहीं होगा इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो लेजिस्लेचर का होता है उसके पास फाइनल पावर्स होती हैं कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है कि नहीं हुआ है ये नहीं कि आपको अगर ये प्रिविलेज मिला है कि आपको आपके बोली हुई चीज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा आपके उस पर ज़रूर नहीं है कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे जैसे मैंने बताया था जो स्पीकर होता है या फिर प्रिसाइडिंग हाउस होता प्रिसाइडिंग uh, ऑफिसर होता है हाउस का जैसे स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन दिस यू नो केस ऑफ राज्यसभा तो उनके पास फाइनल पावर्स होती हैं कि वो डिसाइड करें कि इन्होंने अपने प्रिवलेज को ब्रीच तो नहीं किया ठीक है तो मेन पर्पज़ प्रिवेजेस का होता है ताकि जो मेम्बर्स और लेजिस्लेचर के जो होते हैं वो रिप्रेजेंट कर सके लोगों को फियरलेसली ठीक है और एक इफेक्टिव कंट्रोल बना सके एग्जीक्यूटिव के अंदर लेकिन पार्लियामेंट कैसे एक्सरसाइज करती है ऐसे कंट्रोल के एंड व्हाट आर द मींस अवेलेबल एट इट डिस्पोजल किस क्या क्या टूल्स यूज करके वो इसको पूरा कर सकती हैं और इन पार्लियामेंट्री कंट्रोल सक्सेसफुल इन करबिंग एग्जीक्यूटिव एक्सेसिस और क्या पार्लियामेंट सच में कंट्रोल कर पाई है सक्सेसफुली कंट्रोल कर पाई है उनके एग्जीक्यूटिव को अपनी हद से ज़्यादा बढ़ने से ये देखते हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स जिससे पार्लियामेंट कंट्रोल करती है टूल्स जिससे पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर जो होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो इंश्योर करती है कि एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी अलग अलग स्टेजेस पे जैसे पॉलिसी मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की बात हो जाए या पॉलिसी की एंड ड्यूरिंग एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन स्टेज हर चीज़ के ऊपर जो है वो अकाउंटेबल कर सके पूरी एग्जीक्यूटिव को बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जैसे डेलीबरेशन एंड डिस्कशन अप्रूवल और रिफ्यूज़ल ऑफ लॉज फाइनेंशियल कंट्रोल एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन इन चीज़ों से पहले हम बात कर लेते हैं डेलीबरेशन एंड डिस्कशन क्या होता है कि लॉ मेकिंग के टाइम पे मेंबर्स जो होते हैं लेजिस्लेचर के उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो किसी भी पॉलिसी के ऊपर सवाल उठा सकें एग्जीक्यूटिव की एंड वेज़ कि किस तरीके से आप पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट कर रहे हो उन सब चीज़ों पे वो डिस्कशन और डेलिब्रेशन डाल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम डेलिब्रेटिंग ऑन बिल्स कंट्रोल और तरीक़ों से भी एक्सरसाइज़ किया जा सकता है जैसे जनरल डिस्कशंस जो होते हैं हाउस में उसके द्वारा क्वेश्चन आवर जो है एक डिवाइस है जिससे क्या होता है हर दिन जो होता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर एक क्वेश्चन आवर रखा जाता है जहां पे मिनिस्टर्स को रिस्पोंड करना पड़ेगा टू द क्वेश्चंस जो मेंबर्स पूछते हैं उनसे फिर एक जीरो आवर है जहां पे मेंबर्स जो होते हैं उनके पास फ्रीली वो क्या कर सकते हैं रेज कर सकते हैं किसी भी मैटर को जो इनको लगता है कि इंपॉर्टेंट हो ठीक है लेकिन इसमें क्या होता है मिनिस्टर्स बाउंड नहीं होते कि उनको रिप्लाई करना ही करना है फिर होता है हाफ एन आवर डिस्कशन उन मैटर्स पे जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं फिर उसके बाद एडजर्नमेंट मोशन भी पास किया जाता है ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे एक्सरसाइज कर सकते हैं पार्लियामेंट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर लेकिन एक क्वेश्चन आर जैसे देखा जाता है इज़ दी मोस्ट इफेक्टिव मैथड ठीक है ताकि एग्जीक्यूटिव पर पूरा वो कंट्रोल रखा जा सके और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की उन पर रखा जा सके मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट ने बहुत बार अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया है क्वेश्चन आर के अंदर और मैक्सिमम अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड की जाती है इस वक्त के टाइम इस वक्त पे बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि गवर्नमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन निकाली जा सके ऑन द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं अवेलेबिलिटी फूड ग्रेन्स की वीकर सेक्शंस पे जो प्रॉब्लम हो रही है ब्लैक मार्केटिंग करप्शन इन सब चीज़ों पे ये मेंबर्स को क्या बोलते हैं एक अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकें और रिप्रेजेंट कर सके प्रॉब्लम्स को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कि वो बोले यार आप गवर्नमेंट हो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में प्रॉब्लम हो रही है आप इसको सॉल्व करो लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बेसिकली इशू ये होता है कि uh, बहुत बार अपोजिशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग वो बहुत आगे निकल जाती है बहुत ऐसे सवाल पूछ लेती है जो इस कंट्री के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए बहुत आसानी से वो हर्ट कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर क्वेश्चन आर्क के दौरान आप देखोगे तो इतनी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं कि आपको देखने को कॉमनली क्या मिलता है कि लोग अपनी वॉइसिस जो हैं वो रेज़ कर रहे हैं ठीक है वॉक टू द वेल ऑफ़ द हाउस और वॉक आउट इन प्रोटेस्ट ताकि वो अपना पॉइंट क्लियर कर सकें ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं इससे क्या होता है कि लेजिसलेटिव जो टाइम होता है उसका बड़ा लॉस होता है उसी वक्त पे सेम टाइम पे क्या होता है हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो बहुत सारे एक्शंस होते हैं ये पॉलिटिकल टेक्निक्स होती है ताकि गवर्नमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन लिए जा सकें और एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को फ़ोर्स किया जा सके अब ये पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा फ्री लगता है कि यार बहुत ही मतलब बोलते हैं ना उसको कि बहुत ही एम्पावरिंग लग रहा है ये सुन के बट एक्चुअल में जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो उससे लेजिस्लेचर का सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल जो एडवांटेज है ये बहुत मिलता है बहुत बार ऑपोजिशन अपोज करने के चक्कर में इतना आगे बढ़ जाती है तो कितने सेंटिमेंट्स हॉट होते हैं लोगों के जो हैं इस कंट्री में वो सब चीज़ें नहीं सुनना चाहते जो ये लोग बोल देते हैं वहाँ पर तो ज़रूरी है कि जो प्रतिष्ठा है पार्लियामेंट की उसको बना के रखना भी इम्पोर्टेंट है अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज पार्लियामेंट्री कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज और किया जा सकता है जैसे वो रेटिफिकेशन के किसी भी लॉ को अगर बिल आप लेकर आए हो तो उसको पास करना मतलब रेटिफाई करना एक बिल जो है लॉ बन सकता है अप्रूवल ऑफ़ पार्लियामेंट के बिना नहीं बन सकता वो अप्रूवल ऑफ़ पार्लियामेंट के साथ ही बन सकता है गवर्नमेंट के पास जिसके पास सपोर्ट है एक डिसिप्लिन मेजोरिटी का जो उसका साथ दे उनको डिफ़िकल्ट नहीं लगता कि अप्रूवल ले सके लेजिस्लेचर का वो आसानी से लेजिस्लेचर का अप्रूवल ले लेते हैं इन अप्रूवल्स में हाउ ओवर दे के नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसा नहीं कि सरकार फिर जो भी निकालना चाहे लॉ वो निकाल ले ये सोचे कि हमारे पास तो मेजोरिटी है ठीक है ये प्रोडक्ट होता है ऑफ़ इंटेंस बार्गेनिंग एंड नगोसिएशन रूलर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी के और कोलिशन पार्टीज़ के एंड इवन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन तो ये ये ऐसे नहीं बोल सकते हम कि बहुत आसानी से हो जाता है ये भी बेसिकली क्या होता है कि इंटेंस बार्गेनिंग होती है और नगोसिएशन होती है जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं उनके बीच में और जो अगर कोलिशन में है पार्टीज़ तो उसमें भी ठीक है और उसके बाद गवर्नमेंट और अपोजिशन हर तरीके से जो है ये चीज़ें की जाती हैं अगर गवर्नमेंट की मेजोरिटी है लोकसभा में और राज्यसभा में नहीं है जैसे जनता रूल का हुआ था 1977 में और एन रूल का हुआ था 2000 में तो क्या होता है कि अगर लोकसभा में मेजोरिटी हो राज्यसभा में ना हो तो गवर्नमेंट विल बी फोर्स टू मेक सब्सटेंशियल कंसेशंस टू गेन द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज तो अगर यहाँ पे अब दूसरा हाउस नहीं होता तो सोचो कितनी दिक्कत होती तो जब एक हाउस से मेजोरिटी होते हैं तो चांसेस ये होते हैं कि दूसरे हाउसेस को भी सैटिस्फाई करने के लिए अब आपको कुछ कंसेशंस देने पड़ेंगे जैसे बहुत सारे बिल्स हैं जैसे लोकपाल बिल है वो फेल हो गया इन एक्ट होने से प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 वो रिजेक्ट हो गया राज्यसभा की तरफ से तो राज्यसभा भी है बहुत हद तक रोक देती है चीज़ें होने से अब फिनेंशियल कंट्रोल की बात करें जैसे हमने देखा कि फिनांशियल रिसोर्स हैं किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के वो बजट जो होता है वो uh, के थ्रू ही ग्रांट किए जाते हैं प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन जो बजट का होता है अप्रूवल लेने का लेजिस्लेचर से तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर आपको प्रिपेयर करना है प्रेजेंट करना है एक बजट ताकि उसको अप्रूव करा सके लेजिस्लेचर से वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनली यू आर ऑबलाइज कि वो आपको करना पड़ेगा यह ऑब्लिगेशन जो होती है ये लेजिस्लेचर को एक पावर देती है ताकि वो कंट्रोल जो है कर सके एग्जीक्यूटिव को व्हेन इट कम्स टू द पर्स ऑफ द पार्लियामेंट या सेंटर uh, का जो पर्स है यूनियन पर्स जो है उसमें से पैसा निकाल के देना वो लेजिसचर uh, का काम है लेजिस्लेचर रिफ्यूज़ भी कर सकती है कुछ रिसोसिस को ग्रांट करने के लिए गवर्नमेंट को ये कभी कभी होता है बिकॉज गवर्नमेंट जो है ऑर्डनरीली क्या होता है कि एक मेजॉरिटी इन्जॉय करती हैं किसके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम में नेवदरलेस बिफोर ग्रांटिंग मनी द लोकसभा कैन डिस्कस द रीजन्स reasons फॉर विच गवर्नमेंट रिक्वायर्स मनी पैसा देने से पहले लोकसभा ये भी पूछ सकती है उनसे रीजंस कि भाई आपको ये पैसा क्यों चाहिए वो इंक्वायरी कर सकती है उन केसेस में जहाँ पे मिसयूज हुआ है फंड्स का ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ सी जो होते हैं कंट्रोल एंड ऑर्डर जनरल और पब्लिक अकाउंट कमेटीज जो होती हैं पार्लियामेंट की उनकी रिपोर्ट के ऊपर वो मिस ऑफ फंड्स पर भी सवाल पूछ सकती हैं उनसे लेकिन लेजिस्लेचर कंट्रोल जो होता है इज नॉट ओनली एम्ड एट फिनंशियल प्रोप्रायटी लेजिस्लेचर जो होती है वो कंसर्नड होती है अबाउट द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट सिर्फ फिनंशियल उस पर नहीं ध्यान रखती वो ठीक है तो बजट में जो पॉलिसीज़ होती हैं ना जिस तरीके की पॉलिसीज़ हैं वो क्या करने वाली हैं उनके ऊपर भी ध्यान होता है तो फिनेंशियल कंट्रोल के तहत लेजिस्लेचर जो होता है बेसिकली वो पॉलिसी को कंट्रोल करती है जो गवर्नमेंट निकालना चाहती है देन कम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन मोस्ट पावरफुल वेपन जो होता है पार्लियामेंट के पास कि वो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को बनाए रख सके वो होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन एज लॉन्ग एज जब गवर्नमेंट के पास सपोर्ट होता है किसी पार्टी का और कोलिशन पार्टीज का तो उसके पास मेजोरिटी होती है लोकसभा में पावर जो होती है उस वक्त पे हाउस की के उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकें वो फिक्शनल हो सक होती हैं असली में नहीं हो सकता सिर्फ नाम नाम की चीज़ें हैं वो लेकिन 1989 के बाद क्या हुआ कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो हैं उनको रिज़ाइन करने के लिए फोर्स किया गया ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हाउस के अंदर क्योंकि पोलिशन पार्टीज थी और किसी ने भी सपोर्ट अपना वापस खींच लिया तो मेजोरिटी माइनॉरिटी बन गई अब ठीक है उनके वह मेजोरिटी नहीं होगी ठीक है तो सक्सेसफुली वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को क्लियर नहीं कर पाएंगे ये सारी जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने कॉन्फिडेंस लूज किया लोकसभा का एंड दे फेल टू रिटेन द सपोर्ट ऑफ देयर कोलिशन पार्टनर्स तो इसकी वजह से वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गए द पार्लियामेंट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव तो पार्लियामेंट जो है वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकती है एग्जीक्यूटिव को और इंश्योर कर सकती है कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल बने लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इस परपज़ के लिए कि एडिक्यूएट टाइम हो हाउस के पास ये सब चीज़ें करने का द और साथ में द मेंबर्स आर इंटरेस्टेड इन डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट करें वो इफेक्टिवली और अंदर से ही जो है उनकी तरफ से आना चाहिए कि देर इज़ अ विलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज़ अमंग्स द गवर्नमेंट एंड दी अपोजिशन एक दोनों के पास इतनी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि वो अगर कोई नेशनल कोई चीज़ है तो दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके एक स्टेप पर आ सकें लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है एयर स्ट्राइक होता है बालाकोट स्ट्राइक जो है ठीक है बहुत सारी जगहों पर स्ट्राइक्स की जाती हैं सर्जिकल स्ट्राइक होती हैं उरी सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद राधर देन सपोर्टिंग दी गवर्नमेंट अपोजिशन उठ के बोलती है कि हमें प्रूफ चाहिए कि ये हुआ था लाइक like, सीरियसली मतलब आप चाहते हो कि जो इतना इंटेलिजेंस गैदरिंग करके इतनी इंटेलिजेंस uh, को यूज़ करके उन्होंने एक ऐसी कोई चीज़ करा यू uh, नो you know? एक स्ट्राइक की जिसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है आप चाहते हो कि वो पब्लिक डोमेन में वो चीज़ों को डाल दे जो इतनी सीक्रेटिव है मतलब हाउ उनको पता है सरकार नहीं कर सकती ऐसा क्योंकि सरकार ऑबलाइज है यार नेशनल सिक्योरिटी के तहत सरकार इतनी जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं किसी मिशन की क्योंकि उससे वो लीक हो सकती है और बहुत जगहों पे जो जो हमारे एनिमीज हैं उनको पता चल सकता है कि हाउ वी ऑपरेट और जो सब ऑफिसर्स हैं उनकी जान भी खतरे में जा सकती है यार क्योंकि इतने लोगों को मारा वहां जाके उ स्ट्राइक में तो उन सब की जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर बहुत बड़ा खतरा है अब ऑपोजिशन को पता था कि सरकार ये नहीं देगी तो अपोजिशन जानबूझ के उन्हें बोल रही थी कि आप प्रूफ दो प्रूफ दो अब सरकार देगी नहीं क्योंकि सरकार समझदार है कि नेशनल सिक्योरिटी के तहत कैसे दे दें तो अब वो लोगों के सामने क्या बोलते हैं देखो हमने तो मांगा था सरकार के पास होता हो देती दे इतने अच्छे तरीके से ये लोग पूरी सोसाइटी को इतना इतना परेशान कर देते हैं ना कभी कभी मुझे लगता है दीज क्वेश्चन आर अननेसेसरी एंड दे आर द वर्स्ट क्वेश्चन आई एवर हर्ड एक ऑपोजिशन होती थी उस वक्त और आज इतनी घटिया ऑपोजिशन है ना हमारे पास वो इतने फालतू के सवाल पूछती है जो बिल्कुल भी कमिटेड नहीं है और मुझे ये प्रॉब्लम बीजेपी के साथ भी है बीजेपी इतना आसान लेने लग गई है इलेक्शंस को बीजेपी को लगता है कि हम तो ले जाएंगे इलेक्शंस जीत जाएंगे तो ज़रूरी है कि एक बहुत ही अच्छी यू नो अवेयर एक ऑपोजिशन बने और एक बहुत ही स्ट्रांग ऑपोजिशन बने कि गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती अच्छे काम और करवाए वो ये लोग क्या करते हैं अभी बड़ा हल्के में लेने लग गए हैं दे है टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ हम आएंगे ठीक है केक वॉक हो गया उनके लिए तो आए क्लियर करके चले गए ज़रूरी ऐसी ओपोजिशन बने जो इनको अकाउंटेबल ठहराए ठीक है ठीके? और वो जो लॉज में ये पीछे रह जाते हैं उनको भी उनके लिए अकाउंटेबल ठहराए और वो लॉज क्लियर कराएं और सब चीज़ों के लिए फोर्स करें लेकिन ये इतने बेवकूफ़ों वाले सवाल पूछती है ना अपोजिशन कि ये प्रूफ दो हमें वो प्रूफ दो कुछ नहीं कर सकते मतलब मुझे लगता है कि दो सालों के अंदर जितना नेगेटिव इन्वामेंट किया है ना ऑपोजिशन ने उतना मेरे मैं 2017 में व्हेन आई क्रैक आई बी ए सी आई ओ एग्जाम टू के अंदर उसके बाद आई गॉट अपॉइंटेड एज एन ए सी आई ओ इन द डिपार्टमेंट उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की यूपीएससी की 2019 में ठीक है मैंने बताया जैसे आई क्लियर द प्रोल्स इन द फर्स्ट एंड इन द सेकेंड एंड थर्ड अटैम्प आई वॉज एक्चुअली सिटिंग फॉर द इंटरव्यू बट उसके बाद आई कुड नॉट कंटिन्यू एंड समथिंग इज हैड तो उसके बाद आई एम स्टिकिंग टू माई जॉब राइट नाउ अभी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन ऑफकोर्स आई डू इट सम अदर टाइम लेकिन क्या है कि मैं टू थाउजेंड सेवेंटीन से आई एम लुकिंग एट द न्यूज़ बट ट्रस्ट मी एज अ न्यूज़ रीडर एज अ न्यूज पेपर रेगुलर न्यूज़ पेपर रीडर मैं टू थाउजेंड सेवेंटीन से द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था फिर टू थाउजेंड नाइन से आई स्टार्टेड द हिंदू आई विल रीडिंग न्यूज़ पेपर्स फॉर लास्ट एट ईयर्स सिक्स ईयर्स द प्रॉब्लम इज दीज टू ईयर्स हैव बीन सो अनॉइंग सो नेगेटिव इतने गंदे थे ना ये दो साल इतना नेगेटिविटी फैली है और मैं इसमें बीजेपी और ऑपोजिशन खासकर इन दोनों को बहुत ज़्यादा वो करना चाहता हूँ देखिए पूरा एनवायरनमेंट जो है ना कंट्री का वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है ऑपोजिशन फालतू सवाल पूछती है एंड गवर्नमेंट के पास कोई रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन नहीं है जो उससे सही सवाल पूछ सके ठीक है अब साथ में और क्या दिक्कत हो रही है लास्ट बीस सालों में अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे ना ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है जो सेशन्स होते हैं लोकसभा के और जो टाइम देना चाहिए पार्लियामेंट को डिस्कशंस के लिए वो कम होता जा रहा है स्टेट लेजिस्टिव असेंबलीज में भी क्या है डिबेट्स के ऊपर जो टाइम है वो कम स्पेंड किया जा रहा है साथ में ही जो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के हैं उनके पास एब्सेंस ऑफ कोरम होता है मतलब वो मेंबर्स अवेलेबल ही नहीं होते सेशंस के दौरान सेशंस में जो डेज होते हैं पार्लियामेंट डे होते हैं जब वो बैठती हैं तो कोरम ही नहीं होता मतलब मिनिमम लोग जो रिक्वायर्ड हैं एक हाउस की प्रोसीडिंग्स को चलाने के लिए वही अवेलेबल नहीं होते सेशंस को बॉयकआउट कर देते हैं ऑपोजिशन कि हम नहीं बैठेंगे जी जो क्या करती है जो पावर है कंट्रोल करने का एग्जीक्यूटिव को डिस्कशन के थ्रू उसको कम कर देता है वीक कर देता है ठीक है अब देखते हैं व्हाट डू दी कमेटीज़ ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ है वो क्या करती हैं बेसिकली इस दौरान अ सिग्निफिकेंट फीचर एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस का ये होता है कि अपॉइंटमेंट की जाती है कमेटीज़ की बहुत सारे लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए ये कमेटी एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है ठीक है सिर्फ लॉ मेकिंग में नहीं लेकिन डे टू डे बिज़नेस के अंदर भी बहुत हेल्प करती है सिंस द पार्लियामेंट जो होती है वो सिर्फ सेशंस के दौरान मिलती है और उसके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है बात करने के लिए द मेकिंग ऑफ लॉ फॉर इंस्टेंस जैसे मेकिंग ऑफ़ लॉ है वो इन डेप्थ स्टडी रिक्वायर करती है ज़रूरी है कि जो लॉ बन रहा है जो बिल पास करने की बात की जा रही है उसकी एक इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए कि इशू जो है किस इशू को ये कवर करना चाहती है क्या इस इशू को कवर कर पाएगी किस तरीके से कर रही है ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी हैं तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन और टाइम की इम्पॉर्टेंस लगती है तो सिमिलरली देर आर अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे डिमांड फॉर ग्रांट्स कि अगर वो इस चीज़ के लिए इतना पैसा मांग रही है सरकार बजट में तो ज़रूरी है कि हम पढ़ें उसमें कि इतनी ज़रूरत है ग्रांट की क्या देने चाहिए क्या इससे पहले जो दिए गए थे वो सही से यूज़ हुए हैं उन सब चीज़ों को देख के जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ ना अपनी मिनिस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग पैसा डिमांड करती है कि मेरी मिनिस्ट्री को इतना पैसा मिलना चाहिए उसके लिए ठीक है उसके बाद जो डिपार्टमेंट्स uh, की तरफ से जो एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है पिछले साल में उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन ये सब चीज़ों के अंदर ना कमेटीज लगती हैं तो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं वो इन फंक्शंस को देखती हैं नाइनटीन से अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने डेवलप किया एक सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज ठीक है तो देर आर ओवर ट्वेंटी सच डिपार्टमेंटली रिलेटेड कमेटीज डिपार्टमेंटल रिलेटेड होती हैं ये और ऐसी ट्वेंटी से ज्यादा हैं स्टैंडिंग कमेटीज जो होती हैं वो क्या देखती हैं कि जो वेरियस डिपार्टमेंट हैं उनकी वर्किंग देखती है उनका बजट देखती है एक्सपेंडिचर देखती है और बिल्स जो उस डिपार्टमेंट uh, की तरफ से आते हैं हाउस के अंदर पास uh, होने के लिए इन सब चीज़ों को देखती है स्टैंडिंग कमेटीज़ स्टैंडिंग कमेटीज़ के अलावा और भी होती हैं जैसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती है वो भी अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सेट की जा सकती हैं ताकि एक बिल को डिस्कस किया जा सके दोनों मेंबर्स के हाउस की तरफ से दोनों मेंबर्स ऑफ हाउस की तरफ से जैसे जॉइंट कमेटी की जाती है किसी बिल को डिस्कस करने के लिए वैसे ही ये साथ में की जाती है मेंबर्स जो होते हैं इस कमेटी के वो दोनों हाउसेस से सेलेक्ट किए जाते हैं कमेटी सिस्टम जो है उसने बहुत हद तक रिड्यूस करने की कोशिश की है बर्डन को जो पार्लियामेंट के ऊपर होता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स हैं उनको कमेटीज़ को रेफ़र किया गया है वहाँ से फिर उसके डिस्कशन हुआ है अनालिसिस हुआ है और फिर उसकी रिपोर्ट आती है पार्लियामेंट में और उसके बाद जाके उस पर आगे डिस्कशन होता है पार्लियामेंट हैज़ मीयरली अप्रूव्ड द वर्क डन इन द कमेटीज़ विथ फ्यू ओकेजनल ऑल्टरेशन मतलब अगर आप देखोगे लेकिन जो रिपोर्ट दी जाती है कमेटीज़ की तरफ से तो पार्लियामेंट्री कभी कभी ही बेसिकली इसको अप्रूव करती है जो ये uh, कमेटीज़ का काम होता है अदरवाइज़ उनको अनसुना छोड़ देती हैं और अपना बिल जैसे था वैसे ही क्लियर करने की कोशिश करती है देखा अगर देखा जाए ऑफकोर्स लीगली स्पीकिंग कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता और कोई भी बजट सेंकशन नहीं हो सकता अनलेस वो पार्लियामेंट की तरफ से अप्रूव ना हो जाए लेकिन पार्लियामेंट रेयरली रिजेक्ट सजेशंस मे इन बाय द कमेटीज ठीक है तो पार्लियामेंट जो है वो कभी कभी ही रिजेक्ट करती है सजेशन जो कमेटीज की तरफ से बनाई जाती हैं ठीक है ओके ठीक है नेक्स्ट okay. है? चलते हैं हाउ डज पार्लियामेंट रेगुलेट इट सेल्फ खुद को कैसे रेगुलेट करती है पार्लियामेंट पार्लियामेंट देखा जैसे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेटिंग फोरम है इस कंट्री का डिबेट्स के थ्रू ही जो है पार्लियामेंट अपने सारे फंक्शंस करती हैं ये डिस्कशंस जो हैं ये मीनिंगफुल होने चाहिए और इस तरीके से होने चाहिए कि पार्लियामेंट के जो फंक्शंस हैं वो स्मूदली और डिग्निटी के साथ कैरी किए जा सकें कॉन्स्टिट्यूशन खुद से क्या बोलता है कुछ सर्टेन प्रोविजंस देता है ताकि स्मूद कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो सके तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जैसे लोकसभा के स्पीकर होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो होते हैं फाइनल अथॉरिटी ये देखने वाले कि जो बिजनेस है रेगुलेट अच्छे से हो रहा है लेजिसलेचर से कि नहीं ठीक है देर इज वन वे वन मोर वे इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स कैसे करते हैं जैसे हमने एंटी डिफेक्शन लॉ देखा है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर्स जो है लेजिस्लेटर्स के हैं उनको इलेक्ट किया जाता है एक टिकट के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी से क्या हो अगर वो उस पार्टी को छोड़ के इलेक्शन होने के बाद दूसरी पार्टी में जाना चाहें बहुत सालों तक जब इंडिपेंडेंस मिली हमें तो ये इशू जो था वो चलता जा रहा था और इसका कोई सोल्यूशन नहीं था फाइनली क्या हुआ एक अग्रीमेंट हुआ पार्टीज के बीच में कि अ लेजिस्लेटर हु इज इलेक्टेड ऑन वन ऑफ द पार्टीज टिकट वो दूसरी तरफ नहीं जा सकता और उसको डिफेक्ट करने से रोका गया कि वो धोखा दे के दूसरी पार्टी में ना चले जाए तो अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में विच इज़ बाय फिफ्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1985 में हुई और शेड्यूल टेन जो है ऐड किया गया शेड्यूल्स में कॉन्स्टिट्यूशन के इसको एंटी डिफेक्शन लॉ या एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट भी बोला जाता है इट इट हैज़ ऑल्सो बीन सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड बाई नाइन्टी अमेंडमेंट ठीक है उसके बाद फिर से अमेंड किया गया इस आर्टिकल को थोड़ा सा तो जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है हाउस के वो अथॉरिटी होते हैं जो फाइनल डिसीजन लेते हैं इन सब केसेस में कि के क्या डिफेक्शन की है उस मेंबर ने या नहीं किया है इफ इट इज अप्रूव्ड कि एक मेंबर ने डिफेक्ट किया है तो जो ये मेंबर होगा वो अपनी मेंबरशिप खो देता है हाउस से ठीक है साथ में सच अ पर्सन इज ऑल्सो डिस्कालीफाइड ठीक है वो और डिस्कॉलीफाई हो जाता है फ्रॉम होल्डिंग एनी पॉलिटिकल ऑफिस जैसे मिनिस्टरशिप वगैरह वो पॉलिटिकल ऑफिस के बाद नहीं ले सकता है ठीक है उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है और वो मेंबरशिप अपनी लूज कर देता है जब मेंबरशिप ही लूज हो गई वापस तो फिर किस बात की मिनिस्टरशिप डिफेक्शन होता क्या है अगर एक मेंबर एबसेंट रहे किसी हाउस में जब बोला गया है पार्टी लीडरशिप की तरफ से कि भैया रहो वहां पे और वोट देना है आपको लेकिन वो जब नहीं कर रहा है ये सब तो क्या और वो इंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टी का अगेंस्ट जाए या वॉलेंटरी लीव कर दे किसी मेंबरशिप पार्टी की मेंबरशिप को तो उसको बोला जाता है डिफेक्शन लेकिन यह बोल रहे हैं कि अगर 20 साल के पास्ट एक्सपीरियंसेस देखे जाएं तो एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट है उसने अच्छे तरीके से जो है डिफेक्शन को कब नहीं कर पाए मतलब डिफेक्शन को रोक नहीं पाए अच्छे से लेकिन इसने एडिशनल पावर्स दे दी हैं कि पार्टी लीडरशिप को कि वो मनाएं जानबूझकर मेंबर्स को अपनी बात या फिर स्पीकर के हाथ में ठीक है ये दे दिया गया है एडिशनल पावर्स कि वो दूसरे मेंबर्स के ऊपर कंट्रोल कर सकें ये जरूर हुआ है इसमें नेक्स्ट हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ अब यहां पूछा हुआ है हैव यू एवर वॉच द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग एड ऑफ पार्लियामेंट संसद टीवी है आपके पास टीवी चैनल होगा या फिर आप संसद लाइव पे जाके देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर कभी देखिएगा लाइव टेलीकास्ट जब होता है प्रोसीडिंग्स किसी पार्लियामेंट के डिस्कशन की ये होगा कि पार्लियामेंट इज़ अ रेनबो ऑफ कलरफुल ड्रेसेस इतने कलरफुल तरीके से लोग वहाँ पे होंगे और डिफरेंट रीजन्स जो है उनके कंट्री क्योंकि एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म थोड़ी होती है स्कूल की तरह वहाँ पे आप अपने हिसाब से पहन के आ सकते हैं तो डिफरेंट रीजन से जो लोग आते हैं वो सिम्बोलाइज़ करते हैं डिफरेंट रीजन्स को अपनी कंट्री के जो मेंबर्स है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं प्रोसीडिंग्स के दौरान अपनी ख़ुद की लैंग्वेजेस में वो डिफरेंट कास्ट रिलीजन और सेक्ट से आते हैं ठीक है और फिर वो मतलब दे ऑफ्टन फाइट बिटरली बहुत गंदे तरीके से फिर लड़ते भी हैं वो बहुत बार एक इम्प्रेशन जो है क्रिएट होता है दैट दे आर वेस्टिंग द टाइम एंड मनी ऑफ द नेशन ये सोचते हैं लेकिन हमने इस चैप्टर में देखा है कि ये सेम पार्लियामेंट्रिय पार्लियामेंटेरियंस जो हैं ये इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव को ये एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को जो वेरियस सेक्शन है सोसाइटी के उनके इंटरेस्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं इनकी कॉम्पोजिशन अगर देखी जाए तो लेजिस्लेचर सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ ऑल द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट साथ में जो मेंबर्स की प्रेजेंस है वहाँ पे ऑफ डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड्स ये लेजिस्लेचर्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना देती हैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स एक्सपेक्टेशंस

डी डी बसु एंड लक्ष्मीकांत लेट्स स्टार्ट विद डेट सो है ऑलरेडी ओपनड दैम ठीक है ये हमने लास्ट में किया था जब एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे पूरा और ये है हमारा ये जो ये नोट्स हैं बेसिकली अगर ये चाहिए आपको तो आप जो एट द रेट माइंड मैप्स को आकाश है मुझ पर मुझे उस पर बता सकते हैं ठीक है तो वीडियो सारी फ्री हैं बट द नोट्स आर नॉट क्योंकि कॉन्टेंट uh, राइटर जो है मेरा वो मेरे लिए फ्री में काम नहीं कर सकता अगर कल को मैं भी आपको बोलूँ तो आप भी मेरे लिए कभी फ्री में काम नहीं करेंगे तो इसीलिए उसकी पेमेंट करने के लिए आई वॉन्ट समथिंग ताकि मैं उसको दे सकूँ जो एक कॉन्टेंट क्रिएट करता है 80, 90 पेजेस के अंदर पूरी डीडी डी और पूरे लक्ष्मीकांत के नोट्स में लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर उसमें आ चुके हैं और साथ में जो आने वाले हैं क्वेश्चन वो सारे फैक्ट्स को एक जगह डाला हुआ है ताकि आपको बल्कि बुक्स लेके ना घूमना पड़े ये सेम लैंग्वेज वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे लेकिन छोटे फ़ॉन्ट में और टेबल्स के अंदर बनाया हुआ है ताकि ज़्यादा जगह ना घेरे इसलिए लक्ष्मीकांत ने अगर आप देखेंगे तो दो पेज के चैप्टर्स होते हैं और पीछे सिर्फ रेफरेंसेस लिखे होते हैं वो रेफरेंसेस की आपको जरूरत नहीं होती तो वो पेज जो है वो एक्स्ट्रा हैं जो बल्क की बना देते हैं बुक को तो इसलिए छोटे से रखा है ताकि आप एक ही पी के अंदर से पूरी लक्ष्मीकांत रिवाइज कर सको ठीक है अब पार्लियामेंट में क्या क्या आता है याद रखिएगा मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको सिर्फ लोकसभा एंड राज्यसभा नहीं प्रेसिडेंट भी आती है एग्जीक्यूटिव में भी प्रेसिडेंट आता है बिकॉज ऑल द बिजनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट यहां पे प्रेसिडेंट क्यों आता है क्योंकि जो भी कोई लॉ होगा वो पास किसकी तरफ से होगा लोकसभा और राज्यसभा की तरफ से जाएगा प्रेसिडेंट के पास और उसके बाद कहां से आएगा उसके बाद आएगा एक एक्ट बन जाएगा कोई भी बिल तो इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल जो है वो ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल के ऊपर बेस्ड है, है? ठीक है? अब देख लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होती है जिसमें 238 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरबल वोट और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस

रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन टेरिटरीज के वो राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं किससे बाय अ मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है यूनियन टेरिटरीज के अंदर ताकि उनकी भी तरफ से लोग हैं वो रिप्रेजेंट हो सकें राज्यसभा के अंदर सिर्फ दो यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली एंड पुडुचेरी जो रिप्रेजेंटेड हैं राज्यसभा के अंदर प्रेसिडेंट बारह लोगों को नॉमिनेट करता है और ये मैंने बताया था इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं किया क्योंकि एन से हमने पढ़ना था ये एल ए डबल एस यहाँ पे क्या है टू मेंबर्स आर नॉमिनेटेड लोकसभा के अंदर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ नॉट रिप्रेजेंटेड एडिक्यूएटली अब इसको हटा दिया गया है कुछ साल पहले तो अब ये नहीं है मेंबर्स टू लोकसभा फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस ठीक है तो जो इलेक्शंस हैं वो डायरेक्ट होते हैं लोकसभा के मेंबर्स के लिए और यूनियन टेरेटरीज से जब भी जो लोकसभा मेंबर्स जाते हैं वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से ही चूज़ होते हैं जैसे अभी होंगे 2024 के अंदर अभी इलेक्शंस होने वाले हैं पाँच साल के बाद अब होंगे इलेक्शन जनरल इलेक्शन जिसमें लोकसभा डिजोल्यूट होकर दोबारा बनेगी राज्यसभा इज़ अ परमानेंट बॉडी कोई भी डिजोल्यूशन नहीं होती हाउ एवर वन थर्ड जो मेम्बर्स हैं वो रिटायर करते हैं हर दूसरे साल कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टर्म फिक्स नहीं करी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बोला है सिक्स इयर्स टर्म होगी फॉर राज्यसभा ठीक है? लोकसभा में नॉर्मल टर्म फाइव इयर्स होता है लेकिन एक्सटेंड किया जा सकता है बाय वन ईयर एक बारी में नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये हो सकता है नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन ऑफ है शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया मेक ओथ टू द इलेक्शन कमीशन को ओथ देते हैं ये फॉर राज्यसभा नॉट लेस देन थर्टी ईयर्स एंड लोकसभा के लिए नॉट लेस देन ट्वेंटी फाइव ईयर्स ये एज की रिक्वायरमेंट है और ओथ देते हैं किसको इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन मैंशनड ये हैं क्या दिया हुआ साथ में अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे तो भाई नहीं हो सकता सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो ऐसा नहीं है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया ना हो सिटीजन होना पड़ेगा उसको ताकि वो मेंबर हो सके एंड अगर पार्लियामेंट ने डिसक्फाई किया हुआ है इनको तो फिर ये मेंबर नहीं बन सकते पार्लियामेंट के ये है क्वालिफिकेशन ऑफ मेम्बर्स और ये आ गया डिस्कवालीफिकेसन ऑफ मेम्बर्स ठीक है क्वालिफिकेशन पढ़ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन में लिखा हुआ है कि वो पर्सन जो है अगर उसको बनना है तो वो रजिस्टर होना चाहिए एज एन इलेक्टर समझ रहे कितनी सही बात है कि एज एन इलेक्टर वो रजिस्टर होने चाहिए अगर उसको बनना है आगे मेंबर राज्यसभा के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जो आदमी हो वो इलेक्टर हो एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही जो हो वो इलेक्टर हो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम में आ चुका है और आगे सी एपीएफ और डिफेंस एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं कि किसी भी पर्सन के लिए नेसेसरी नहीं है राज्यसभा में जाने के लिए कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट से ही इलेक्टेड रजिस्टर्ड हो ठीक है इलेक्शन जो लोकसभा के लिए होता है एक नॉमिनेशन पेपर होता है वो किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया की तरफ से भरा जा सकता है हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्युएंसी उस कॉन्स्टिट्युएंसी के इलेक्टोरल रोल में अगर उसका नाम है तो उसी से वो लोकसभा के लिए नॉमिनेट हो सकता है मेंबर ठीक है तो अगर आपको कल को इलेक्शन में खड़ा होना है किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी से तो आपका नाम जो उस कॉन्स्टिट्युएंसी के इलेक्टोरल रोल जो होता है जो इलेक्शन कमीशन क्लियर करता है कौन कौन वोटर्स हैं इसके अंदर वहां पे नाम होना चाहिए तभी आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं एज अ लोकसभा मेंबर में हमने देखा था कि प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो तभी डिस्कवालीफाई किया जा सकता है या डिसक्वालीफाई किया जा सकता है जब पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे इसे और पार्लियामेंट ने उसके लिए लॉ बनाया कौन सा आर पी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन नॉट गिल्टी ऑफ इलेक्शन ऑफेंस या करप्ट प्रैक्टिस जरूरी है ये होना नॉट इम्प्रीजेंटमेंट नॉट इम्प्रीजेंट फॉर टू और मोर ईयर्स मतलब अगर डेढ़ साल के लिए इम्प्रिजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर दो साल या दो से ज़्यादा साल के लिए अगर इम्प्रजेंट किया है तो वो डिसक्वालीफाई हो जाता है गवर्नमेंट सर्विस सर्विस से करप्शन की चार्जस पे या किसी और चीज़ से डिसमिस नहीं होना चाहिए और प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है ऑन डिसक्वालीफिकेशन डिक्वालिफिकेशन किसी मेंबर का करना उसके अंदर प्रेसिडेंट्स का डिसीजन फाइनल होता है और प्रेसिडेंट इस चीज़ के लिए इलेक्शन कमीशन को कंसल्ट कर सकता है ठीक है प्लीज़ याद रखना कि फाइनल डिसीजन जो डिसक्वालीफिकेशन का है वो किसके ऊपर होगा प्रेसिडेंट के ऊपर ठीक है और जो है प्रेसिडेंट uh, वो कंसल्ट कर सकता है इलेक्शन कमीशन को अगर डिफेक्शन की बात हो तो उस पर भी डिसक्वालिफ़िकेशन uh, है टेंथ शेड्यूल के अंदर है क्वेश्चन ऑफ़ डिसक्वालिफिकेशन जो है टेंथ शेड्यूल के अंदर वो चेयरपर्सन डिसाइड करता है उस हाउस का जैसे चेयरमैन राज्यसभा का और स्पीकर लोकसभा में दैट डिसीजन इज सब्जेक्ट टू रिव्यू ये नहीं है कि वो किसी को डिफेक्शन uh, के ग्राउंड्स पे अगर डिस्कालीफाई करे तो वो आखिरी uh, होगा ऐसा नहीं है उस पर जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है कि क्या सही uh, चीज करी है चेयरपर्सन ने या स्पीकर ऑफ लोकसभा ने तो ये सब चीजें हैं डिफेक्शन में ये सब थी डिस्कालीफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ में ठीक है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए जो पूछी जाती है ठीक है नेक्स्ट आता है आपके पास स्पीकर इन लोकसभा और डिप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा अब हम देख रहे हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ठीक है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लोअर हाउस ठीक है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लोअर हाउस स्पीकर जो है वो इलेक्ट किया जाता है लोकसभा की तरफ से ही अमंग डिट्स मेंबर्स अपने मेंबर्स में ही से ही स्पीकर को चूज किया जाता है लोकसभा के मेंबर्स में से ही उसके बाद ही इज़ द गार्डियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स जो पावर ऑफ प्रिविलेजेस हैं मेंबर्स के उसका गार्डियन है उसके डिसीजन जो होंगे सब पार्लियामेंट्री मैटर में वो फाइनल होंगे ठीक है डिसीजन इन ऑल द पार्लियामेंट्री मैटर्स इज फाइनल एडजर्न कर सकता है हाउस को या सस्पेंड कर सकता है अगर कोरम जो है वो मेनटेंड ना हो वो कास्टिंग वोट होता है उसका अगर टाई हो जाए दोनों तरफ से सेम नंबर ऑफ वोट्स आ जाए और ना येस yes हो पा रहा है ना नो no हो पा रहा है तो लास्ट में एक कास्टिंग वोट होता है जिसको बोलते हैं टाई को क्लियर करने के लिए तो वो जो होगा वो क्लियर करने के लिए वोट कर सकता है लेकिन जब नॉर्मल वोटिंग चल रही हो टाई नहीं हो रहा हो उस वक्त पर वो कभी वोट नहीं करेगा लेकिन जब दोनों टाई हो जाएंगे तभी वोट कर सकता है जॉइंट सिटिंग के दौरान वो बैठते हैं कोई बिल मनी बिल है या एक ऑर्डिनरी बिल है उसको डिसाइड करने की पावर भी इनके पास है टेंथ शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल है टेंथ शेड्यूल उसके तहत ग्राउंड ऑफ़ डिफेक्शन पे को डिसकॉलीफिकेशन को डिसाइड करना वो उसके पास है चेयरमैन होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी तो ये तीन कमेटी के चेयरमैन होते हैं डायरेक्टली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पसेस कमेटी स्पीकर कैन बी रिमूव्ड कैसे रिमूव किया जा सकता है ओनली बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी ओनली बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी तभी स्पीकर को हटाया जा सकता है और चौदह दिन का नोटिस जरूरी है देना ठीक है स्पीकर जो होते हैं वो सबसे हायर रैंक पे होते हैं कंपेयर टू ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स इवन कैबिनेट मिनिस्टर्स से भी ऊपर पावर होती है इंडिया के अंदर स्पीकर डज नॉट रिज़ाइन फ्रॉम द पार्टी ब्रिटेन के अंदर स्पीकर क्या होता है वो नॉन पार्टी पर्सन होता है लेकिन हमारे यहाँ पे स्पीकर पार्टी के अंदर से रिज़ाइन नहीं करता है बोल्ड में लिखी हुई स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर के लिए फेवरेट स्टेटमेंट्स है काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट से स्पीकर को ज़रूरी नहीं है कि वो रिज़ाइन करे पार्टी से अब बात करते हैं डेप्यूटी स्पीकर जो लोकसभा के हैं डेप्यूटी स्पीकर जो हैं वो इलेक्ट होते हैं लोकसभा की तरफ से अमंग इट्स मेंबर ठीक है? मेंबर्स के बीच में से ही होती हैं, जैसे स्पीकर हैं डेप्यूटी स्पीकर क्या होता है सबॉर्डिनेट नहीं होता किसी स्पीकर के उसके साथ ही पावर होती है उसकी जब भी प्रिसाइड करता है वो किसी हाउस पे तो कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंटेंस इंस्टेंस जैसे स्पीकर नहीं करता क्या होता है जैसे आज स्पीकर अवेलेबल नहीं है और सीट पे नहीं है आज वो तो वहाँ पे कौन बैठ जाएगा डायरेक्टली डिप्यूटी स्पीकर बैठ जाएगा लेकिन अगर स्पीकर अवेलेबल है लोकसभा के अंदर तो डिप्यूटी स्पीकर की कोई डिप्यूटी स्पीकर पोस्ट नहीं है वो एज मेंबर ही सीधा कर रहा है वहाँ पे वोटिंग वो वहाँ पे एक मेंबर की तरह ही बैठा है लेकिन उसको डेप्यूटी स्पीकर इसलिए बुला रहे हैं कि अगर कल को स्पीकर नहीं है उस सीट पे तो जो आदमी का हक है वहां बैठने का वो डेप्यूटी स्पीकर होगा तब उसके पास जो पावर्स होंगी सारी स्पीकर की होंगी अदरवाइज वो एक नॉर्मल एमपी की तरह ही होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लेकिन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन क्या बोलती है कि स्पीकर जो होता है वो रूलिंग पार्टी से होता है ज्यादातर और डेप्यूटी स्पीकर जानबूझकर ऑपोजिशन पार्टी से किया जाता है ये एक कन्वेंशन है किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में लिखी नहीं हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन एक्ट के अंदर हमने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के जो पोस्ट थे उनको देखा था फिर होते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन इन लोकसभा रूल ऑफ लोकसभा के अंदर लिखा हुआ है जो लोकसभा के जो जो हाउस के ना रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से हाउस चलता है हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी होती तो रूल ऑफ लोकसभा है उसके अंदर लिखा हुआ है स्पीकर नॉमिनेट करता है स्पीकर नॉमिनेट करता है पैनल ऑफ टेन मेंबर्स उनमें से कोई भी प्रिसाइड कर सकता है अगर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही एबसेंट हो कल को डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से एक आदमी बैठेगा आके और ये दस मेंबर्स का है और सोचो ये जो पहला बैठना चाहिए वो भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है यानी नहीं, है, नहीं। लास्ट में जो बचेगा वो बैठेगा मतलब बारह लोग हैं कि स्पीकर की जो पोस्ट है वो वेकेंट नहीं जानी चाहिए मतलब खाली नहीं रहनी चाहिए कोई बैठा होना चाहिए वहाँ पे तभी तो आप जब स्पीकर ही नहीं बैठा होगा सीट के ऊपर ठीक है तो ये जो सारे लोग हैं बेसिकली वो करेंगे क्या क्वेश्चन कौन पूछेगा ऑन बिहाफ ऑफ अदर पीपल कौन बोलेगा कि आप तुम कर, आप तुम शुरू शुरू करो करो कौन करेगा वर्क को तो विदाउट स्पीकर के लिए विदाउटीकर लोग बैठे हुए हैं यार कि वो पोस्ट जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए एक होता है स्पीकर प्रो टेम ये कौन होता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एक मेंबर ऑफ लोकसभा एज अ स्पीकर प्रो टेम ठीक है ये किस लिए होता है ताकि जो है जो इलेक्शन जैसे आज जनरल इलेक्शंस हुए 2024 में जनरल इलेक्शंस होंगे एक पार्लियामेंट आके बैठेगी अब अगर एक पार्लियामेंट आके बैठ गई तो कौन डिसाइड करेगा कि स्पीकर कौन होगा सोचने वाली बात है जब वहां पे कोई आदमी ही नहीं बैठा हुआ सीट पर तो कैसे ये लोग कोई अपने बीच में से किसी को चूज कर सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल इस आदमी का यहां पे बैठा होना जरूरी है एक भी चीज करने के लिए फॉर लोकसभा स्पीकर का होना किसी ना किसी को उस सीट पे होने की जरूरत है तभी ये जो चीजें हो सकती हैं तो जब पहले जनरल इलेक्शंस के बाद पार्लियामेंट आके बैठती है तो प्रेसिडेंट एक आदमी को सेलेक्ट करता है विच इज कॉल्ड स्पीकर टेम एक टेम्परेरी है उसका काम सिर्फ ये है कि पार्लियामेंट की हेल्प से लोकसभा की हेल्प स्पे स्पेसिफिकली वहां से एक आदमी उठाए जो स्पीकर बनेगा बस उसका सिर्फ इतना काम है तो ये होता है स्पीकर प्रोटेम अब आते हैं हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ उफ राज्यसभा ठीक है लिख लेते हैं यहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ उफ। देखो कितने ही क्लीन नोट्स क्यों ना हो कि सर ये ऐसा लग रहा है कि अब मैं आपको स्लाइड्स भी बना के दे सकता हूँ लेकिन स्लाइड सिर्फ देखने में अच्छी लगती है एज नोट्स वो बहुत खराब है क्योंकि सारी जो स्पेस है वो यूज़ नहीं हो पाती सिर्फ कुछ लाइंस लिखी होती हैं और सारा पेपर वेस्ट हो जाता है और स्लाइड्स में आप 200-250 स्लाइड्स रखोगे पूरा टॉपिक को कवर करने के लिए यार अगर क्रिस्पी नोट्स बनाने हैं खासकर यू में यू में क्रिस्प नोट्स होने बहुत जरूरी है क्योंकि आपको कम से कम तीन से चार बार रिविजन करनी पड़ेगी नोट्स की अपना पेपर वन देने से पहले तो जरूरी है ये कंसाइज में रहे छोटे से छोटे तरीके से रहे ताकि आपको याद हो इसलिए मैं हर लाइन के बाद सिर्फ फैक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं समझा भी रहा हूं कि उस लाइन का मतलब क्या है ताकि आपके दिमाग में एक स्टोरी बनी रहे जब आप ये नोट्स को दोबारा रिवाइज करें इनको प्रिंट आउट करा के रखें ठीक है नेक्स्ट कम द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के बेसिकली वही होते हैं एक्स एक्सफिशियर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा चेयरमैन को रिमूव किया जाता है ऑफिस से जब उनको प्रेसिडेंट के ऑफिस से हटाया जा सके ठीक है इसीलिए चेयरमैन जो है इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस स्पीकर की वाइस प्रेसिडेंट याद है आपको वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस में क्या था ही इज क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा बट ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ राज्यसभा ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा समझने की कोशिश कीजिए वो सिलेक्ट हुआ एज वाइस प्रेसिडेंट लेकिन जब तक प्रेसिडेंट अपनी सीट पे है तो वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन का ही काम करता है राज्यसभा में बैठकर तो उसको रिमूव अगर करना है तो जैसे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है वैसे ही रिमूव किया जाएगा इनको भी और चेयरमैन जो है वो मेंबर नहीं होता हाउस का स्पीकर लेकिन होता है अब इसका रिमूवल है वो वाइस प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव में हम लोग पढ़ चुके हैं आई होप आपको याद हो प्लीज क्लासेस देख लीजिए रैंडमली बीच बीच से क्लासेस मत देखिए कोर्स का मतलब होता है सारी क्लासेस देखना पूरा कोर्स देखना रैंडमली कुछ भी उठा लेंगे ना अब मैंने तो इस तरीके से पढ़ाया है ताकि आपका फ्लो बनता रहे अब यहाँ पे हर चीज़ नहीं पता चलेगी आपको ये मैंने बताई हुई पहली क्लासेज में और क्लासेस देखने में आपको अच्छा नहीं लगता आपको लगता है कोई एक मैराथन के अंदर सब कुछ करा दे कैसे हो सकता है यूपीएससी के लिए कभी मैराथन काम ही नहीं कर सकते इसलिए मैं एसएससी और आईबीएसी के लिए लेकर आया था बट यूपीएससी में मैराथन का मतलब ही नहीं है आप कभी भी एग्जाम क्लियर ही नहीं कर सकते अगर आप मैराथन पर डिपेंडेंट है ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको लिख के ले जाइए कभी भी प्रिलिम्स भी क्रैक हो जाए ना किसी का टीयर वन भी क्रैक हो जाए मेरा नाम बदल देना ठीक है नेक्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राज्यसभा के अंदर से ही इलेक्ट किया जाता है अपने मेंबर्स में से ही जैसे डेप्यूटी स्पीकर होता है रिमूवल होता है बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जैसे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होता है डेप्यूटी चेयरमैन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू चेयरमैन जैसे डेप्यूटी स्पीकर चेयरमैन स्पीकर से सबॉर्डिनेट uh, उससे छोटा नहीं होता है, वैसे ही डेप्यूटी चेयरमैन भी चेयरमैन से छोटा नहीं होता साफ सेम ऑफिस है फिर बात करते हैं हम लीडर ऑफ हाउस की अब लीडर ऑफ हाउस कौन होता है रूल्स ऑफ लोकसभा में देखा जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो होते हैं लीडर लीडर ऑफ ऑफ हाउस हाउस या कोई ऐसा मिनिस्टर मिनिस्टर जिसको प्राइम ने बोल दिया हो कि ये बनेगा द मतलब कल को अगर मोदी जी बोले कि अमित शाह जी जो हैं वो लीडर ऑफ द हाउस हो जाएंगे अमित शाह जी लेकिन प्राइम मिनिस्टर अभी भी मोदी जी रहेंगे राज्यसभा के अंदर प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है मिनिस्टर को एज लीडर ऑफ द हाउस ठीक है देन कम्स लीडर ऑफ ऑपोजिशन फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रिकोगनाइज किया गया था 1969 में कि यार ये बैठे बैठे यहाँ पे बेइज्जती करा रहे हैं ठीक है ये इलेक्शन में जीत नहीं पाए तो थोड़ा इनको ही पावर दे दो स्टैचूटरी रिकोगनीशन जब दी गई वो 1977 में दी गई ठीक है क्योंकि इसको मैंशन किया गया सैलरी एक्ट में कि इसको एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन सैलरी मिलेगी एंड नॉट एज एन एम तो सैलरी ज़्यादा मिलती है इसको बेसिकली ठीक है स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन कब की गई 1977 में और फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रिकॉग्नाइज कब किया गया 1969 में और अगर आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना है तो आप उस पार्टी से होने चाहिए ऑपोजिशन पार्टी से जिसके पास एटलीस्ट वन टेंथ सीट्स तो हों ठीक है टोटल सीट्स के मतलब अगर 500 सीट्स हैं तो आपके पास 50 सीट्स तो होनी ही चाहिए अगर आपको एज अ गुड ऑपोजिशन काउंट करवाना है अपने आप को और उस ऑपोजिशन पार्टी को जिसके पास वन टेंथ सीट्स एटलीस्ट हैं उनमें से जो आदमी हैं बेसिकली वो उन वो डिसाइड करेंगे कि कौन उनमें से लीडर बनेगा तो उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया जाता है एंड ये धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है अब ऑपोजिशन के पास इतनी बंट गई है ऑपोजिशन कि उनके पास कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही नहीं बचता अब पचास सीट्स तक पूरी नहीं है उनके पास तो ये इशू है दे नेक्स्ट आती है विप की बात ये कल लाइव सेशन जो हो रहा था मेरे डिस्क्रिप्टिव बैच के अंदर उसके अंदर मैं डिसाइड कर रहा था और के मेयर मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स को कि व्हाट इज विप ठीक है तो नो नॉट मैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट इन रूल्स कहीं पर भी मैंशन नहीं है ये कि विप है क्या तो कल कवर अगर कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में दिया हुआ या रूल्स ऑफ हाउस के बारे में दिया है नहीं विप जो है वो कहीं पे नहीं दिया हुआ विप का मतलब ये होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है अपने मेंबर्स को एक कोड ऑफ कंडक्ट के साथ चलाती है विप का मतलब है जो भी आ, कोई डायरेक्शंस हैं या कोई भी गाइडलाइन या रूल बताया जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी को की तरफ से उनके मेंबर्स को तो वो विप होती है जिससे उसको फॉलो करना होता है अगर वो विप को फॉलो ना करे सो तो देर आर चांसेस कि वो डिसक्वालीफाई भी हो सकता है एज अ मेंबर उसको निकाला भी जा सकता है तो विप जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टी की सोलिडारिटी को बरकरार रखने के लिए ठीक है तो ये किस पे बेस्ड है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन पे और हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक विप होती है ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास सेशंस ऑफ पार्लियामेंट हम्म हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेशन ऑफ पार्लियामेंट समनिंग के पहले देखते हैं समन करना मतलब पार्लियामेंट को बिठाना सेशन स्टार्ट करना स्टार्ट द सेशन ठीक है उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है हर सेशन को समन करता है सेशन होता है ड्यूरेशन फर्स्ट सिटिंग एंड उसकी प्रो, प्रोरोगेशन मतलब पूरा सेशन चलता है जब उसकी फर्स्ट सिटिंग होती है और प्रोरोगेशन पे सेशन को बंद कर दिया जाता है दूसरा सेशन स्टार्ट करने से पहले जो बीच में टाइम होता है उसको बोलते हैं रिस, रिसेस ठीक है उसको बोलते हैं रीसेस एडजर्नमेंट का मतलब है कि हर मीटिंग जो डे की है उसमें दो सिटिंग होती है ठीक है जो सिटिंग को टर्मिनेट कर दिया जाता है वो एडजर्नमेंट के हिसाब से देखो सेशंस के बीच में काफी सारी सिटिंग्स होती हैं तो सेशन को बनाना और सेशन को खत्म करना वो पावर है प्रेसिडेंट के पास अदरवाइज जो सिटिंग है उसको एडजर्न करने का है वो काम करता है स्पीकर ठीक है इसमें दो होते हैं एक एडजर्नमेंट बता के कि नेक्स्ट सिटिंग कब होगी और जब ये ना बताए कि सिटिंग कब होगी नेक्स्ट तब उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट सिनेडिए फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड के लिए आप टर्मिनेट कर देते हो सिटिंग को ये बताए बिना कि नेक्स्ट रीअसेंबली कब होगी तो पावर ऑफ एडजर्नमेंट और ये किसके पास होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि स्पीकर होता है प्रोरोगेशन देखी जाए अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयर करता है कि हाउस को एडजर्न सिने कर दिया गया है मतलब नेक्स्ट सिटिंग होगी ये नहीं बताया गया है ठीक है उसके बाद अगर उस सेशन को ही पूरा खत्म करना है तो प्रेसिडेंट फिर एक प्रोरोगेशन जो है वो दे देता है कि अब सेशन खत्म हो चुका है अब नेक्स्ट सेशन होंगे डिजोल्यूशन है कैसे होता है कि लोकसभा को डिसोल्यूशन किया जा सकता है व्हेन पोजिशन ऑफ बिल अच्छा ओनली लोकसभा जो होती है उसको डिजोल्यूशन किया जा सकता है उसका राज्यसभा का आपको पता है कि परमानेंट हाउस का डिजोल्यूशन उसका नहीं होता पोजिशन किसी बिल की जब लैप्स हो जाए कोई बिल मतलब कब कब लैप्स हो जाता है बिल जब एक बिल बोथ हाउसेस से आ जाए लेकिन रिटर्न कर दिया जाए प्रेसिडेंट की तरफ से तब वो लैप्स नहीं करता मतलब एक बार दोनों हाउसेस की तरफ से क्लियर हो जाए और प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाए प्रेसिडेंट वापस भेजो उस बिल को तो वो बिल जब डिजोल्यूट हो जाएगी लोकसभा नेक्स्ट लोकसभा फिर आएगी उस वक्त के दौरान वो बिल खत्म नहीं होगा नेक्स्ट लोकसभा उसको वहीं से पिक कर सकती है इसका मतलब होता है कि लैप्स नहीं होगा ख़त्म नहीं होगा उसको दोबारा से चालू करना पड़ेगा ऐसा नहीं होता जब बिल पास हो जाए दोनों हाउसेस की तरफ से लेकिन असेंट के लिए पेंडिंग हो तब भी लैप्स नहीं होता बिल जब राज्यसभा में पेंडिंग हो और लोकसभा की पिप के पास नहीं गया हो तब भी लैप्स नहीं होगा क्योंकि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस अगर उसी के पास पेंडिंग रखा हुआ है और लोकसभा तक पहुंचा ही नहीं है तो तब भी लैप्स नहीं होगा लेकिन एक सिचुएशन है जब बिल लोकसभा के पास होगा पेंडिंग और राज्यसभा के पास नहीं गया होगा तो लोकसभा क्योंकि पर्मानेंट मेंबर नहीं होती है तो अगर वहाँ कोई बिल पेंडिंग है तो वो लैप्स कर जाता है ठीक है चाहे वो कहीं पे भी ओरिजिनेट हुआ हो ठीक है यहाँ पे और इसमें और इसमें देखो डिफरेंस क्या है कि जैसे मान लीजिए एक जो बिल है राज्यसभा में स्टार्ट हुआ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया अगर वो राज्यसभा से अभी तक पास ही नहीं हुआ है और लोकसभा तक गया ही नहीं है तो वो बिल लैप्स नहीं होगा लेकिन अगर शुरुआत ही लोकसभा में किसी बिल की हुई है और वो बिल अभी पास नहीं हो पाया है लोकसभा में और अगर लोकसभा के डिजोल्यूशन हो जाए तो वो बिल भी लैप्स कर जाता है बिल अगर राज्यसभा में पेंडिंग हो लेकिन पास हो गया हो लोकसभा में ठीक है जैसे लोकसभा से पास हो गया कोई बिल और राज्यसभा पहुंच गया ठीक है और वहां पे अभी पास नहीं हुआ है तब भी लैप्स कर जाएगा थोड़ा डिफिकल्ट है देखने में लेकिन अगर समझ जाओगे मतलब जहां जहां लोकसभा से कोई बिल आ, यू नो अगर लोकसभा से ही कनेक्टेड है कोई अगर बिल और राज्यसभा में अभी पेंडिंग है और पास नहीं हो पाया है और लोकसभा में पास हुआ है तो वो बिल लैप्स हो जाएगा जहां जहां लोकसभा के पास वो बिल होगा वहां वहां वो बिल लैप्स हो जाएगा क्योंकि लोकसभा डिजोल्यूट कर दी गई है और कुछ टर्म्स हैं जो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग से रिलेटेड है जैसे कोरम ये एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस जरूरी है किसी बिजनेस को ट्रांजेक्ट करने के लिए इसको देखने का काम है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अगर वहां पे नहीं है उतनी कोरम लोग नहीं है वहां पे इतने अवेलेबल ठीक है कोरम नहीं मेनटेन है तो स्पीकर जो है सिटिंग को एडजर्न कर सकता है फिर होता है क्वेश्चन आर दिन का जो बिजनेस होता है वो बिगिन किया जाता है क्वेश्चन आर से जिसके दौरान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंबर्स की तरफ से किसको मिनिस्टर को और मिनिस्टर को उनको आंसर करना होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट होते हैं स्टार्ड क्वेश्चन ये वो होते हैं जिनके लिए ओरल आंसर रिक्वायर्ड होता है देना मिनिस्टर की तरफ से ठीक है आप मेंबर पूछेगा क्वेश्चन स्टार्ड क्वेश्चंस वो होते हैं मेंबर पूछेगा तो मिनिस्टर को ओरली वो आंसर दे सकता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो होते हैं ठीक है अब जब मिनिस्टर ने कुछ रिप्लाई किया तो उसी इशू के ऊपर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पहले बात किया जैसे विमेन्स रिजर्वेशन बिल बिल के ऊपर तो वो आंसर दे दिया उसके बाद विमेन रिजर्वेशन बिल के के लिए ही और सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो भी मिनिस्टर के रिप्लाई के ऊपर बेस्ड होते हैं कि और कौन से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने हैं नेक्स्ट आते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन वो होते हैं जिसके लिए मिनिस्टर को टेबल पे रिटर्न आंसर देना होता है मतलब वो कभी भी फिर रिटर्न आंसर दे सकता है पंद्रह दिन का नोटिस देना जरूरी होता है ऐसे क्वेश्चंस पूछने से पहले स्पीकर को पंद्रह दिन का पहले नोटिस देना पड़ेगा कि यार इस दिन हम ये पूछेंगे तो आप क्या अलाउ करते हो और फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इन क्वेश्चन से रिलेटेड क्योंकि समझने वाली बात है अगर ओरली देना है तो मिनिस्टर वहीं खड़े होकर देगा लेकिन अगर रिटर्न आंसर है तो वो आने में कुछ दिन लग सकते हैं उसको फिर वो पूछेंगे फिर रिटर्न आंसर कभी आएगा तो इसलिए इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा एक ही इशू के लिए इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना मना है यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाते अनस्टार्ड क्वेश्चन में फिर होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन होते हैं जो मेंबर्स की तरफ से पूछे जा सकते हैं ऑन दी मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस जो अर्जेंट नेचर से जैसे मणिपुर जैसा इशू है तो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए जो मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है और अर्जेंट मैनर अर्जेंट नेचर है जिनका जिनको जल्दी पूछना ज़रूरी है वो पूछे जाते हैं स्पीकर को डिसाइड करना है कि वो मैटर अर्जेंट नेचर का है भी कि नहीं तो स्पीकर उसको रद्द भी कर सकता है अलाउ भी कर सकता है मेंबर जो हैं उसके पास रीजंस दे देने पड़ेंगे उनको मेंबर्स को कि ये क्यों पूछ रहे हैं ठीक है जब ये नोटिस दे रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि ये क्यों पूछ रहे हैं और क्यों ये मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है इसमें होते हैं फिर जीरो आर ये अलाउ करता है दिस पीरियड फॉलोज दी क्वेश्चन आर क्वेश्चन आर के बाद जीरो आर होता है और ये दोपहर के टाइम पे यूजुअली शुरू होता है मेंबर्स जो होते हैं इस पीरियड को यूज़ करते हैं टू रेज वेरियस इश्यूज फॉर डिस्कशन और ज़ीरो आर जो होता है मेंशन नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं दिया हुआ है ये इंडियन इनोवेशन है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के लिए एक इंडियन इनोवेशन है ज़ीरो आवर मोशंस हैं किसी भी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए जो दूसरे मिनिस्टर्स और प्राइवेट मेंबर्स किसी ओपिनियन को रखते हैं उसको बोलते हैं मोशन तीन प्रिंसिपल कैटेगरी होती है किसी मोशन की जैसे सब्सटांटिव मोशन जैसे इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना ये सब जो मेजर इश्यूज़ हैं उसको सब्सटैटिव मोशन बोला जाता है सब्सिट्यूट मोशन होते हैं ये ओरिजिनल मोशन के पास के साथ पास किए जाते हैं ओरिजिनल मोशन जो होगा ये सबस्टेंटिव मोशन इसके साथ साथ सब्सटीट्यूट मोशन को पास किया जाएगा सब्सिडरी मोशन है उनका जो रेफरेंस होता है वो ओरिजिनल मोशन से रेफरेंस होता है इनका ठीक है जो ये सब्सटैंटिव मोशन है ये हो गए तीन सब्सटैंडिव सब्सटीट्यूट एंड सब्सिडियरी मोशन ठीक है मतलब एक मोशन पास हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इसके साथ साथ अगर कोई मोशन पास करना है तो जाएगा सब्सिडरी मोशन इसके ऑल्टरनेटिवली अगर कोई करना है आपको इसकी जगह एक साथ ऑल्टरनेटिवली कोई मोशन पास करना है तो उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूट मोशन फिर होता है क्लोजर मोशन किसी भी डिबेट को किसी प्रोविजन ऑफ बिल्स पे अगर कोई डिबेट हो रही हो तो उसको एकदम से कट करना जो होता है उसको बोलते हैं क्लोजर मोशन ठीक है इसमें होते हैं जैसे कैंगरू क्लोजर जो इम्पोर्टेंट क्लोज क्लॉज होते हैं किसी बिल के सिर्फ उनको डिबेट के लिए लिया जाए और फिर वोट कर दिया जाए उन पर दूसरे क्लॉज जो होते हैं अनइम्पॉर्टेंट जो होते हैं उनको स्किप कर दिया जाता है फिर आता है गिलेट क्लोजर अनडिस्टक्लोज बिल्स क्लोजेज ऑफ अ बिल आर पुट टू वोट अलॉन्ग डिस्कस्ड क्लोजेज ड्यू टू मैटर ऑफ टाइम मतलब जो डिस्कस हो चुके हैं वो हो चुके हैं लेकिन अगर लगता है कि टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है और इतना टाइम नहीं है तो गिलेटिन क्लोजर के तहत जो बाकी अनडिसकस्ड क्लोजेज भी हैं उनको साथ में डाल के सीधा वोट करा दिया जाता है ये इंपॉर्टेंट क्लोजेज हैं कंग्रू और गिलेटिन ठीक है फिर कम कम्स दी प्रिवलेज मोशन ये होता है जब कोई भी मिनिस्टर पार्लियामेंट्री प्रिवलेजेस जो अलाउड होते हैं जो आगे हम देखेंगे अगर कोई उसको ब्रीच करता है उसके खिलाफ जाता है तो बेसिकली ये होता है ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन किया जाता है ये एक मिनिस्टर के अगेंस्ट किया जाता है क्योंकि मिनिस्ट्री प्रिवलेज हैं पार्लियामेंट के अंदर तो एक मिनिस्टर के ख़िलाफ़ किया जाता है इसको प्रिविलेज मोशन को और जब वो मिनिस्टर क्या है या तो फैक्ट्स को छुपाए या फिर गलत फैक्ट्स दे या तो फैक्ट्स बताए ही ना या फिर फैक्ट्स गलत दे तब उसके टाइम पे प्रिविलेज मोशन उस मिनिस्टर के खिलाफ पास किया जा सकता है एक होता है कॉलिंग कॉलिंग अटेंशन मोशन ये तब है जब किसी मिनिस्टर का अटेंशन लेना हो किसी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए ये भी एक इंडियन इनोवेशन है ठीक है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में और ये मैंशनड है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में और ये हमारा इंडियन इनोवेशन है फिर कम्स दी एडजर्न मोशन देखो एडजर्नमेंट जो हमने देखा था एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट ये अलग होता है एक सिटिंग से रिलेटेड है ये एडजर्न्ड मोशन इज डिफरेंट इसमें क्या होता है कि किसी भी हाउस का जो है अटेंशन लेना व्हेन इट इज मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस ये एक एक्स्ट्रा डिवाइस है जो नॉर्मल बिजनेस को पूरा इंटरप्ट कर देता है और ये सिर्फ लोकसभा के अंदर चल सकता है राज्यसभा में ये परमिटेड नहीं होता ओनली इन लोकसभा इट इज परमिटेड देन कम्स दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन इसको मैंशन नहीं किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नोवेयर मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा के अंदर मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए मिनिस्टर्स को इस मोशन को पास किया जाता है इसके लिए फिफ्टी मेम्बर्स का पहले रिटर्न सपोर्ट जरूरी है ताकि ये एडमिट किया जा सके और इसके लिए कोई भी रीजनस देने की जरूरत नहीं है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन को क्यों पास करवा रहे हैं मोशन एंटायर काउंसिल के तहत भी हो सकता है एक नॉर्मल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकता है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकता है अगर पास हो जाए लोकसभा के अंदर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा प्रेसिडेंट बोलेगा भैया वो रहा दरवाजा निकलिए यहां से ऐसे ही कुछ आता है सेंसर मोशन ठीक है यह नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा ही कुछ है लेकिन इसके लिए आपको रीजन देना पड़ेगा ये भी किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ हो सकता है इसका मतलब हो सकता है कि आप सेंसर कर रहे हैं काउंसिल को किसी स्पेसिफिक पॉलिसीज के लिए ठीक है अगर ये लोकसभा में पास हो जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उस टाइम पे रिजाइन नहीं करना होता लेकिन ये एक चीज़ दिखाता है कि सरकार की मेजोरिटी धीरे धीरे हट रही है दो चीज़ें डिफरेंस हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन से कि यहां पे रीजन देना पड़ेगा वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन में रीजन नहीं देना होता और दूसरा कि यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है ऑफिस से लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में रिज़ाइन करने की जरूरत पड़ेगी मोशन ऑफ थैंक्स में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करता है एक मोशन ऑफ थैंक्स जब फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन और हर साल का फिजिकल ईयर जो स्टार्ट होता है अप्रैल से तो हर साल का जो फिजिकल ईयर होगा वो वाला भी जो फर्स्ट सेशन होता है वहाँ पे प्रेसिडेंट एड्रेस करता है एक मोशन जिसको मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं ये दोनों हाउसेज में डिस्कस होता है और मोशन बताता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आगे क्या होने वाली है और क्या है मोशन को पास होना पड़ेगा अदरवाइज इट अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ गवर्नमेंट अगर ये पास नहीं हो पाया मेजोरिटी के साथ मोशन ऑफ थैंक्स तो इसका मतलब मेजोरिटी नहीं है सरकार के पास और फिर वोट गवर्नमेंट डिफीट हो जाती है पार्लियामेंट के अंदर फिर आता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर मेंबर्स कब कभी भी एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर को कर सकते हैं वन प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल ऑफ़ प्रोसीजर जब उन्हें लग रहा हो मेंबर्स को कि यार जो नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से हाउस नहीं चल रहा है तो वो एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई वापस रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से काम चालू करो यूजली कौन होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है ये इस चीज़ को उठाता है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑपोजिशन कि गवर्नमेंट जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रही है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिवाइस है ठीक है स्पेशल मोशन होता है एक मैटर जो रेस नहीं किया जा सकता किसी और बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वो रेस किया जा सकता है इन स्पेशल मेंशन इन राज्यसभा ये राज्यसभा के अंदर होता है स्पेशल मेंशन वो राज्यसभा में होता है और ये नोटिस डिवाइस जो लोकसभा का होता है उसकी तरह ही काम करता है फिर आता है रेजोल्यूशंस प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन जो होते हैं बेसिकली प्राइवेट मेंबर्स की तरफ से जो होते हैं वो ऑल्टरनेटिव फ्राइडेज़ को होते हैं हर हफ्ते हर दूसरे हफ्ते के फ्राइडे को ये डिस्कस uh, होते हैं गवर्नमेंट जो रेजोल्यूशन होते हैं वो मिनिस्टर्स की तरफ से होते हैं मंडे टू थर्सडे एवरी वीक ठीक है हर हफ्ते जो गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन हैं वो हर हफ़्ते जो है मिनिस्टर्स की तरफ से मंडे टू थर्सडे डिस्कस होते हैं लेकिन जो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन जो होते हैं वो हर ऑल्टरनेटिव फ्राइडेज़ को होते हैं सब रेजोल्यूशंस जो होते हैं वो सबस्टांटिव मोशन के अंदर आते हैं तो क्या है ऑल मोशन नीड नॉट बी वोटेड अपॉन बट ऑल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी वोटेड अपॉन सब मोशंस पे बेशक रिक्वायर वोट की रिक्वायरमेंट हो या ना हो लेकिन सब रेजोल्यूशंस पे रिक्वायरमेंट होती है वोटिंग की और बेसिकली uh, क्या होता है कि एवरी रेजोल्यूशन इज अ मोशन बट नॉट एवरी मोशन इज़ अ रेजोल्यूशन क्योंकि सभी रेजोल्यूशंस किसके अंदर आते हैं सब्सटान्टिव मोशन के लिए मोशन के अंडर आते हैं और सब्सटान्टिव मोशन सिर्फ एक कैटेगरी है पूरे मोशन की इसलिए ऑल द रेजोल्यूशंस आर पार्ट ऑफ द मोशन बट नॉट ऑल द मोशंस आर पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन ठीक है तो अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट कौन सी कौन सी तरीके से एक्सरसाइज करती है अपना कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडजर्नमेंट मोशन क्वेश्चन आवर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस और अदर पार्लियामेंट्री डिवाइसेस इसके तहत वो कंट्रोल डालना चाहती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर अब देखते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है पार्लियामेंट का ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी और एनसीआर में हम इसको कवर कर चुके हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है जो पीडीएफ uh, है उससे आप डायरेक्टली देख सकते हैं इसको <coughs> ठीक है डायरेक्टली यहां पे है आप आराम से इसको देख सकते हैं देर इज नथिंग जो हमें अलग से देखना है अब हम देख लेते हैं प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल में क्या होता है पब्लिक बिल होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर की तरफ से और यहाँ पे क्या होता है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी मेंबर ऑफ़ एमपी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से मिनिस्टर के अलावा जो लोग होते हैं उनको एम बुलाया जाता है बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं ये रिफ़्लेक्ट करता है पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट को और ये रिफ्लेक्ट करता है दी स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी किसी भी पब्लिक मैटर के ऊपर इसके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं अप्रूव होने क्योंकि मेजॉरिटी होगी किसी गवर्नमेंट की पार्लियामेंट में तभी तो वो गवर्नमेंट वहाँ फॉर्म होगी ना तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं इसके बहुत कम चांसेस होते हैं पास होने के इसके रिजेक्शन अगर हो जाएगा तो इसका मतलब कि पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस की अब ज़रूरत आ गई है अब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देंगे क्योंकि अगर एक बिल पास नहीं हो पा रहा है पब्लिक बिल जो गवर्नमेंट की तरफ से पास हो रहा है अगर वो सही से पूरी लोकसभा में पास नहीं हो पा रहा है इसका मतलब गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है तो फिर पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस की बात हो रही है और उससे क्या होता है गवर्नमेंट फिर आगे रेजिग्नेशन भी देना पड़ जाए उसको ऐसा भी होता है इसका रिजेक्शन से कोई इम्प्लीकेशन नहीं होती है पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस से गवर्नमेंट के अंदर और कोई रेजिग्नेशन नहीं होता है इसके इंट्रोडक्शन हाउस में होने से सेवन डेज़ नोटिस चाहिए अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो सात दिन का नोटिस देना पड़ेगा इसके लिए आपको एक महीने का नोटिस देना पड़ेगा जब कोई प्राइवेट बिल आपको पास कराना है या फिर इंट्रोड्यूस uh, कराना है ये ड्राफ्ट किया जाता है बाय कंसर्न डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ताकि लॉ की अगर लीगैलिटी देखी जाए तो उसमें कोई इशू ना आए और साथ में जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है वो इसमें साथ होता है यहाँ पे मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो करने वाला है इसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको फॉर्म करने की आज तक सिर्फ फोर्टीन प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है वो पास हुए हैं इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल जो कि बहुत कम है फिर आते हैं मनी बिल और साथ में फाइनेंशियल बिल्स आर्टिकल 110 जो है वो बताता है कि मनी बिल के लिए क्या है आर्टिकल 110। ये बोलता है एक बिल एक मनी बिल तभी होगा जब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जैसे कि इम्पोजिशन एबोलिशन रिमिशन, ऑल्ट्रेशन या किसी टैक्स की रेगुलेशन को वो होगा तभी मनी बिल है रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाई द यूनियन गवर्नमेंट ये होगा तब मनी बिल होगा कस्टडी ऑफ़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो सी एफ आई है या फिर कंटेंजेंसी फ़ंड ऑफ इंडिया ठीक है ये अगर इसमें कस्टडी इसकी है तो फिर ये मनी बिल है रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ़ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वो भी मनी बिल के अंडर आता है अगर कोई क्वेश्चन आता है कि मनी बिल है कि नहीं है तो डिसीजन जो स्पीकर का होता है वो फाइनल होता है इसके अंदर ये कोर्ट ऑफ लॉ में डिस्कस नहीं किया जा सकता इस डिसीजन को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में कोई जुडिशल रिव्यू इसके लिए नहीं होता मनी बिल सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में और वो भी तब जब रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट हो उसी की रिकमेंडेशन से लॉन्च किया जा सकता है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मनी बिल ये सिर्फ मिनिस्टर की तरफ से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है राज्यसभा के पास रिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं जब मनी बिल की बात होती है वो रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकता मनी बिल को वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है मनी बिल से रिलेटेड इट मस्ट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा चौदह दिनों के अंदर आपको लोकसभा को वापस देना पड़ेगा ये बिल या तो रिकमेंडेशनस के साथ दो या बिना रिकमेंडेशन के साथ दो और अगर आप रिकमेंडेशन देते हो तो ज़रूरी नहीं है लोकसभा को कि रिकमेंडेशन माने या ना माने तो लोकसभा मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट दी अमेंडमेंट्स जब एक मनी बली मनी बली कह रहा हूं मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट तो या तो वो असेंट देगा अपना बिल को या विदहोल्ड कर लेगा असेंट उस बिल के लिए लेकिन उसको रिटर्न नहीं कर सकता जब भी मनी बिल की बात होती है रिटर्न क्यों ही करेगा जब उसी की रिकमेंडेशन से बिल पास हो रहा है तो उसी की रिकमेंडेशन से तो इंट्रोड्यूस हो रहा है ठीक है फिर आता है हमारे पास फिनांशियल बिल्स ये फिनांशियल बिल्स हैं याद रखना रखेंशियल बिल्स हैं फिनांस डिफरेंट है फिनांशियल बिल्स डिफरेंट है यह आर्टिकल हंड्रेड के अंदर आती हैं ये वो हैं जिसमें नॉट ओनली एनी और ऑल ऑफ़ द मैटर्स कंसर्न इन आर्टिकल 110 बट आल्सो अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन फिनंशियल बिल्स वो होते हैं जहां पे मनी बिल जो आर्टिकल 110 के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं वो तो होंगी ही होंगी लेकिन साथ में कुछ और चीज़ें भी होंगी फिनानशियल बिल वन को अगर देखे जाए इट इज़ सिमिलर टू मनी बिल जैसे बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन राज्यसभा बोथ ऑफ द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ये होता है सिमिलैरिटी एक मनी बिल के अंदर और फिनेंशियल बिल वन के अंदर ये या तो रिजेक्ट किया जा सकता है या इमेंड किया जा सकता है राज्यसभा की तरफ से अगर आप मनी बिल से कंपेयर करो तो वहाँ पे राज्यसभा के पास ये पावर्स नहीं है लेकिन फाइनेंशियल बिल पार्ट वन जो फाइनेंशियल बिल वन है उसके लिए राज्यसभा के पास पावर है कि या तो वो रिजेक्ट कर सकती है या अमेंड कर सकती है लेकिन वो एक अमेंडमेंट नहीं कर सकती है जब रिडक्शन और अबोल्यूशन ऑफ अ टैक्स आए ठीक है उसके ऊपर नहीं कर सकती है बाकी जो चीज़ें होंगी इस फाइनेंशियल बिल्स में उस पर राज्यसभा के पास पावर्स हैं अगर डिसअग्रीमेंट होता है दोनों हाउसेस के बीच में तो प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग भी कर सकता है फाइनेंशियल बिल वन के लिए प्रेसिडेंट असेंट दे सकता है विदहोल्ड कर सकता है या रिटर्न भी कर सकता है तो मनी बिल के साथ सिर्फ दो ही सिमिलैरिटी है इसके पास कि वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और सिर्फ रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के साथ होगा बाकी सारी चीज़ों के कंपैरिजन uh, में ये अलग होता है मनी बिल से फिर होता है फाइनेंशियल बिल्स टू फिनाशियल बिल टू के अंदर प्रोविजंस होते हैं जैसे एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर्स इन आर्टिकल 110 मनी बिल के अंदर जो भी चीजें हैं वो इसके अंदर नहीं होंगी इसमें होती हैं एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो ये फर्क होता है फाइनेंशियल बिल में और मनी बिल के अंदर फाइनेंशियल बिल टू में और मनी बिल में ये सेम लेजिस्टिव प्रोसीजर से चलता है जैसे एक ऑर्डिनरी बिल चलता है मतलब मनी बिल की तरह इसमें वो स्पेशल चीज़ें नहीं होती हैं फिनेंशियल बिल टू कैन बी इंट्रोड्यूस्ड किसी भी पार्लियामेंट हाउस में हो सकता है या तो राज्यसभा या लोकसभा तो ये फिनेंशियल बिल वन से भी कम है बेसिकली और रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नेसेसरी नहीं है तो देखो ये कितना अलग है फिनेंशियल बिल वन से ही प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग भी कर सकता है इसके लिए प्रेसिडेंट असेंट भी दे सकता है विदोल्ड भी कर सकता है और रिटर्न भी कर सकता है कंसिडरेशन के लिए याद रखेगा प्लीज ये डिफरेंसेस पूछे जाते हैं डायरेक्टली स्टेटमेंट्स के थ्रू अब आता है ऑर्डिनरी बिल्स ये इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं या तो लोकसभा में या राज्यसभा में किसी में भी किए जा सकते हैं दे कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर कोई भी कर सकता है विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं अमेंड भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है राज्यसभा की तरफ से इट डज नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर जैसे मनी बिल में सर्टिफिकेशन चाहिए वैसे इसमें नहीं चाहिए कि मनी बिल है या नहीं है वो सर्टिफाई कौन करेगा स्पीकर जब भी डेड लॉक होता है किसी डिसअग्रीमेंट के टाइम पे तो जॉइंट सेटिंग कर सकते हैं पार्लियामेंट प्रेसिडेंट इसके लिए अगर लोकसभा में डिफीट हो जाता है तो इससे रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट की तरफ भी जा सकता है अगर मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस करता है और ये नहीं हो पा रहा पास तो सीधा सा सीधा मतलब क्या होता है इसका कि कॉन्फिडेंस नहीं है पार्लियामेंट को उस गवर्नमेंट पे उनकी इतनी मेजोरिटी नहीं है तो फिर आगे जाके उनकी रेजिग्नेशन भी हो सकती है गवर्नमेंट की बेसिकली अब आते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ये एक एक्स्ट्राऑर्डनरी मशीनरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ताकि जो डेडलॉक है दोनों हाउसेस के बीच में एक बिल को लेकर वो ख़त्म किया जा सके प्रेसिडेंट जो है वो समन करता है दोनों हाउसेस को कि आओ जॉइंट सिटिंग पे बैठो ताकि अच्छे से बातचीत हो सके किसी बिल की वोटिंग पे ये देखना जरूरी है यहाँ पे कि जो जॉइंट सिटिंग है इज एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल्स या फिर फिनांशियल बिल्स ओनली ठीक है तो मतलब ये मनी बिल्स या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पे लागू ही नहीं होता है स्पीकर जो है लोकसभा के वो प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ दोनों हाउसेस के एंड द डेप्यूटी स्पीकर जब वो स्पीकर ना हो मतलब ऐसा नहीं है अगर स्पीकर नहीं होंगे तो एक सौ चेयरमैन बैठ जाएंगे राज्यसभा के नहीं जब स्पीकर नहीं होंगे तो बैठ जाएंगे डेप्यूटी स्पीकर अगर डेप्यूटी स्पीकर भी ना हो तब बैठता है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तब भी चेयरमैन कभी नहीं बैठता है राज्यसभा का प्रोविजन रिगार्डिंग द ज्वाइंट सिटिंग ठीक है हैज बीन इन्वोक्ड ओनली थ्राइस ठीक है सिर्फ तीन बार आज तक ज्वाइंट सिटिंग हो चुकी है और जब बिल रेफ़र किया जाता है जॉइंट सेटिंग के लिए जॉइंट सेटिंग के अंदर जब बिल रेफर किया जाता है तो उसके पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग उसी से उसी तरीके से ही आप बस बिल को पास कर सकते हो इसमें कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए जॉइंट सेटिंग में सिंपल मेजोरिटी से ही काम हो जाता है अब देखते हैं बजट इन पार्लियामेंट ये बजट इन पार्लियामेंट है ये बेसिकली हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट जब करेंगे तो उसके अंदर कवर करेंगे अगर आपको यहाँ से देखना है तो आप स्क्रीन ले सकते हो या आपको अगर पी चाहिए तो नीचे मेरा लिंक गिवन है मेरे पर्सनल अकाउंट का टेलीग्राम पर आप मुझसे उस रिगार्डिंग बात कर सकते हैं ठीक है तो ये सब चीज़ें हम करेंगे उसके अंदर ठीक है जब बजट और इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे अब देखते हैं पोजीशन ऑफ राज्यसभा पोजीशन ऑफ राज्यसभा को जब देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो पोजीशन है राज्यसभा की जब लोकसभा से कंपेयर करते हैं तो तीन एंगल से देख देखे जाते हैं तब जब इक्वल स्टेटस हो इनका लोकसभा के साथ दूसरा जब इनका अनइक्वल स्टेटस हो लोकसभा के साथ और तीसरा जब राज्यसभा के पास स्पेशल पावर्स हो अब देखिए मैंने कैसे एक ही टेबल में आपको तीनों चीजें कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो लिखा हुआ है एवन राज्यसभा इज इक्वल टू तो लोकसभा राज्यसभा इज स्मॉलर देन लोकसभा एंड राज्यसभा इज लार्जर देन लोकसभा ऑर्डिनरी बिल्स के लिए राज्यसभा कम होती है सॉरी राज्यसभा और लोकसभा इक्वल होते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स होते हैं तब भी ये इक्वल होते हैं फिनेंशियल बिल टाइप टू में भी ये सेम होते हैं लेकिन फिनेंशियल बिल टाइप वन में नहीं होता क्योंकि उसमें सिर्फ लोकसभा में हो सकते हैं राज्यसभा में नहीं हो सकते इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में भी दोनों का बहुत वो है इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में भी क्योंकि राज्यसभा जो है उस देखो इलेक्शन और रिमूवल में वाइस प्रेसिडेंट के जब देखते हैं तब जो है इक्वल स्टेटस है इनका लोकसभा के साथ लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा चेंज है कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात आती है तो क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है राज्यसभा के तो उसके रिमूवल को इनिशिएट सिर्फ राज्यसभा ही कर सकता है लेकिन फिर जैसे ही राज्यसभा उस एब्सोलूट uh, मेजोरिटी से करेगा तो आगे जाके फिर लोकसभा को सिंपल मेजोरिटी से सिर्फ उसको क्लियर करना है लेकिन उस वक्त पे दोनों की वो लगेंगी बेसिकली अप्रूवल ऑर्डिनेंस जब पास करना होता है प्रेसिडेंट का तब भी जब इमरजेंसीज की अप्रूवल करनी होती है तब भी ये दोनों साथ में होते हैं अनईक्वल स्टेटस जहाँ पे राज्यसभा कम होता है लोकसभा से वो कब होता है जब राज्यसभा को मनी बिल्स के अंदर कोई पावर नहीं होती कि वो अमेंड या रिजेक्ट कर सके मनी बिल को फाइनेंशियल बिल टाइप वन में अगर देखोगे तो वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं जबकि जबकि फाइनेंशियल बिल टाइप टू जो होता है वो दोनों में से हो सकता है स्पीकर जॉइंट सेटिंग पे बैठता है चेयरमैन नहीं बैठता राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस बजट लेकिन उस पर वोट नहीं कर सकता ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स वो सिर्फ लोकसभा के पास है रेजोल्यूशन जब नेशनल एमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करना होता है वो सिर्फ लोकसभा की तरफ से होता है राज्यसभा की तरफ से नहीं होता जब भी आपको डिसकंटिन्यू करना है किसी नेशनल इमरजेंसी को नो कॉन्फिडेंस मोशन में रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट ओनली इनिशिएटेड इन लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन क्योंकि परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा के अंदर ही काम करता है राज्यसभा कैन ऑथोराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट वहां पे राज्यसभा बड़ा होता है आर्टिकल 249 के तहत ही हमने देखा था इट हैज़ टू बी अ रेजोल्यूशन दैट विल बी पास्ड बाय राज्यसभा एनसीआर के अंदर देखा था अभी हमने राज्यसभा ऑथराइज कर सकता है पार्लियामेंट को टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज ठीक है तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो बनाने के लिए राज्यसभा बोल सकता है किसको पार्लियामेंट को कि यार अब ऑल इंडिया सर्विसेज बनाओ कोई भी बनानी है तो राज्यसभा के पास पावर है आर्टिकल थ्री वन टू के तहत ठीक है कस्टमर क्या यार इतने स्पैम मैसेजेस होते हैं ना आजकल ओके okay. यूपीएससी 2012 में आया भी हुआ है कि स्पेशल पावर्स जो राज्यसभा के पास हैं तो प्लीज़ याद रख लीजिएगा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे ठीक है पार्लियामेंट्री प्रिवेज की बात करें तो पार्लियामेंट्री प्रिवेलेज होते हैं स्पेशल राइट्स इम्यूनिटीज़ और एग्जेपन्स जो इन्जॉय करी जाती हैं बाय टू हाउसेज़ ऑफ़ पार्लियामेंट उनकी कमेटीज़ और उनके मेम्बर्स की तरफ से पार्लियामेंट्री प्रिजेस जो हैं वो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी प्रोवाइड किए जाते हैं एंड यूनियन मिनिस्टर्स को भी प्रोवाइड किए जाते हैं लेकिन पार्लियामेंट्री कभी भी प्रेसिडेंट को नहीं मिलते हैं ये इसलिए मैंने यहां लाइन लिखी है क्योंकि जब हम लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट को देखते हैं तो हम उसमें तीन मेन लोगों को रखते हैं उसमें प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा लेकिन जब पार्लियामेंट्री प्रिवेलेजेस की बात आती है तो वो सिर्फ Uh, जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है यूनियन मिनिस्टर्स हैं और जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट को उनको मिलता है वो बेसिकली प्रेसिडेंट को नहीं मिलता ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 105 में इसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया गया है इन प्रिविलेज़ को जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड राइट टू पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स ठीक है ये जो राइट है ये किसके पास है प्रिविलेजेस ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 105 में सिर्फ ये दो प्रिवेज हैं कौन से फ्रीडम ऑफ स्पीच पार्लियामेंट के अंदर जो आप बोल सकते हो जो मर्जी बोलना है आपको और उस चक्कर में लोग बहुत ज्यादा बोल देते हैं बट इट्स ओके एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन उसकी जैसे प्रोसीडिंग्स होती है उसकी पब्लिकेशन निकालना वो भी राइट right किसके पास है पार्लियामेंट के पास अब देख लेते हैं कलेक्टिव प्रिवलेज एंड इंडिविजुअल प्रिवलेजेस कलेक्टिव प्रिवलेज में देखें तो उसके पास राइट right है टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट्स पार्लियामेंट के पास है उनकी डिबेट्स और उनकी प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करने की ताकत उनके पास है और उनको ये भी ताकत है कि किसी और को मना कर सकें कि अपनी पब्लिशिंग जैसे आपने एक पब्लिश करी पार्लियामेंट ने अपनी प्रोसीडिंग्स या डिबेट्स की एक बुक पब्लिश करी या एक पेपर पब्लिश किया आप दूसरे लोगों को रोक सकते हो कि वो पब्लिश ना करें आपके बिहाफ़ पे नहीं कर सकते या फिर आपने जब बाहर कर दी तो दूसरे लोग अपनी अपनी तरफ से पब्लिश कर रहे हैं ये नहीं कर सकते या आप रोक सकते उनको ठीक है इट कैन एक्सक्लूड द स्ट्रेंजर्स अपनी प्रोसीडिंग्स से स्ट्रेंजर्स को अंदर आने से मना कर सकते हैं या फिर एक सीक्रेट सिटिंग्स भी रख सकते हैं ये ठीक है अभी कलेक्टिव प्रिवलेज की बात हो रही है अब ये इसलिए है क्योंकि याद रख लीजिएगा क्योंकि अभी कुछ लोग जो हैं पार्लियामेंट के अंदर सीधा घुस आए थे ठीक है और वहाँ पर जो है आ, कलर कैनिस्टर्स हैं उन्होंने फोड़े थे कलर फैलाने के लिए ठीक है तो इसलिए प्रिवलेज और पार्लियामेंट की जो सारी चीज़ें हैं ना इसको याद रख लीजिएगा इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इट कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर ये खुद के रूल्स बना सकती है अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए जैसे हमने रूल्स ऑफ द हाउस देखे थे ना वैसे ही और अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए और उनको एडजुडिकेट करने के लिए पूरी पावर्स हैं कलेक्टिव प्रिवलेज के तहत ये पनिश कर सकती है मेम्बर्स को और खासकर आउटसाइडर्स को अगर वो इनके कलेक्टिव प्रिवलेज को ब्रीच करें तो पार्लियामेंट के अगर ऊपर आँच आएगी तो मेम्बर्स को और आउटसाइडर्स दोनों को ये पनिश कर सकती है इनके पास राइट right है टू रिसीव इमिजिएट इन्फॉर्मेशन किसी भी अरेस्ट डिटेंशन कन्विक्शन इम्प्रीजनमेंट या रिलीज़ ऑफ मेम्बर के अगर कोई भी मम्बर के साथ अरेस्ट होता है या उसको डिटेंशन में डाल दिया जाता है कन्विक्ट किया जाता है या इम्प्रीजनमेंट जेल हो जाती है या फिर उसको रिलीज़ किया जाता है किसी मेम्बर को तो उसके पास राइट right है पार्लियामेंट के पास कि इसके लिए आपसे इंफॉर्मेशन मांगे या आपसे इंफॉर्मेशन ले कोर्ट जो है उनको प्रोहिबिट किया गया है टू इंक्वायर इन टू द प्रोसिडिंग ऑफ अ हाउस और इट्स कमिटीज ठीक है जो जो कोर्ट्स हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है टू इंक्वायर इन टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस और इट्स कमिटीज देखो कितनी इम्यूनिटी है इनके पास कोई भी आदमी या तो मेंबर हो या आउटसाइडर हो उसको अरेस्ट किया जा सकता है एंड नो लीगल प्रोसेस जैसे सिविल या क्रिमिनल कैन बी सर्वड विद इन द प्रिस ऑफ द हाउस बिना प्रेसाइडिंग ऑफिसर के परमिशन के ठीक है किसी भी मेंबर को अरेस्ट कराना या किसी भी मेंबर को बचाना सिविल या क्रिमिनल केस के तहत वो सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन से हो सकता है आप उसको उठा के नहीं लेके जा सकते अब बात करते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेज दे कैन नॉट बी अरेस्टेड एक मेंबर जो है इट कैन नॉट बी अरेस्टेड जब सेशन चल रहा हो पार्लियामेंट का या 40 दिन बिगिनिंग सेशन के पहले 40 दिन शुरू होने से 40 दिन पहले या सेशन के खत्म होने के 40 दिन बाद तक जैसे मान लीजिए 10 दिन सेशन चला वैसे नहीं चलता बहुत दिन चलता है तो 10 डेज से पहले 40 डेज और फिर आगे इसके खत्म होने के बाद 40 डेज तो एटलीस्ट नाइन्टी डेज के लिए आप उसको भाई उठा के अरेस्ट नहीं कर सकते लेकिन ये सिर्फ सिविल केसेस के अंदर है क्रिमिनल केसेस के अंदर अप्लाई नहीं होता याद रख लीजिएगा ये पूछा जाएगा सिविल या क्रिमिनल वो लिख देंगे सिविल एंड बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस नहीं सिर्फ सिविल केसेस में होता है क्रिमिनल केसेस में नहीं होता उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट के अंदर कोई भी मेंबर इज लाइबल नहीं है टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट और इट्स कमिटीज़ उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है और किसी भी जगह पे पार्लियामेंट के अंदर वोट देने के लिए या बोलने के लिए किसी भी चीज़ के लिए उनको बाहर नहीं लिया जाएगा इनको ज्यूरिस सर्विस से एग्जेम्ट किया जाता है ये रिफ्यूज़ कर सकते हैं एविडेंस देने के लिए या अपियर होने के लिए एज विटनेस किसी भी कोर्ट भेज पेंडिंग हो केस जब पार्लियामेंट सेशन में हो तो जब पार्लियामेंट सेशन में और उनको कोर्ट बोले कि भैया आके जवाब दो तो ये बोल सकते नहीं सॉरी आई कांट ठीक है मैं नहीं आ सकता तो जूरिस सर्विस से भी इनको एग्जेप्ट किया जाता है अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है या फिर कंटेम्प्ट करते हो तो क्या होता है जब भी एक इंडिविजुअल या अथॉरिटी डिसरिगार्ड करती है या किसी प्रिविलेज को राइट right को जो इम्यूनिटीज़ दी गई हैं उसको अगर मिसयूज़ करती हैं तो ईदर ऑफ द मेंबर इंडिविजुअली या हाउस के पूरे उसको प्रिवलेज़ को तो जो ऑफेंस है उसको बोला जाता है ब्रीच ऑफ़ प्रिविलेज और फिर ये पनिशेबल होता है हाउस की तरफ से हाउस इसको पनिशेबल करता है एनी एक्ट और ओमिशन जो ऑब्स्ट्रक्ट करे किसी हाउस ऑफ पार्लियामेंट को इट्स मेंबर और इट्स ऑफिसर इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस उसको ऑफ हाउस बोला जाता है अब जैसे वो जो कुछ लोग घुसे थे पार्लियामेंट के अंदर पहली बात तो उन्होंने पार्लियामेंट का ब्रीच ऑफ़ प्रिविलेज किया उसके बाद ऑफ हाउस को उस कंटैम्प्ट ऑफ हाउस किया क्यों क्योंकि उन्होंने उनकी फंक्शनिंग को रोका और हाउस ऑफ पार्लियामेंट को ऑब्स्ट्रक्ट किया अपना काम करने से तो उसके लिए उन्होंने कंटेम्प्ट किया उसके बाद सिक्योरिटी रीजंस के तहत भी उन पर केसेस लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें फिर आता है हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है जहाँ जहाँ होगा वो मैंने मार्क करके आपको बताना है डोंट वरी बाकी ऑलमोस्ट सेम होता है पार्लियामेंट से स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो पार्ट सिक्स में आता है और आर्टिकल 168 से 212 के लिए चलता है प्रेजेंटली 28 स्टेट हैं और आठ यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि बदल चुके हैं अब ठीक है इट इज नॉट द सेम राइट नाउ ठीक है सॉरी यहां पे आठ है ना हाँ आठ ठीक है मुझे लगा आई थिंक इट इज नो तो एट यूनियन टेरिटरीज हैं और अट्ठाईस स्टेट हैं बेसिकली ठीक है उसके अंदर क्या है कि जो एट डूटीज़ हैं वो क्यों बढ़ी हैं अभी बेसिकली अगर लद्दाख और आपको पता हो जम्मू एंड कश्मीर है उसको ऐड किया गया है तो बेसिकली वैसे देखा जाए तो एट यूनियन टेरिटरीज हैं और ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं अगर आप ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेंट फोर का देखें तो सिर्फ सिक्स स्टेट्स के पास बाई कैमरा है ये हमने एन में देखा आर्टिकल 169 बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एबोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब अगर आपको सेकेंड हाउस बनाना है अपना जस्ट लाइक like राज्यसभा पार्लियामेंट में होता है वैसे सेकेंड हाउस बनाना है तो उसके लिए आर्टिकल वन में प्रोवाइडेड है तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जो स्टेट की वो एक रेजोल्यूशन पास करती है इस रेजोल्यूशन को स्टेट असेंबली में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा ठीक है तो उससे क्या होगा बेसिकली आपका जो सेकंड हाउस है उस स्टेट के अंदर वो क्रिएट हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होती है कि वो सेकंड हाउस अपना बना सके नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ टू हाउसेस असेंबली की क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल जैसे लोकसभा में होते हैं वैसे यहां होते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 हो सकती है मिनिमम 60 हो सकती है अरुणाचल प्रदेश सिक्किम एंड गोवा के केस में जो मिनिमम वो है स्ट्रेंथ उसको और कम किया गया है अरुणाचल प्रदेश सिक्किम एंड गोवा के केस में इसको 30 रखा हुआ है मिनिमम ठीक है उसके बाद गवर्नर जो है वो नॉमिनेट कर सकता है एक मेंबर फॉर एंग्लो इंडियन ये ख़त्म कर दिया गया है ठीक है अनटिल 2020 तक था अब इसको ख़त्म कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इस असेंबली में ऑफ ईच स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन रेशियो ये होती है कॉम्पोजिशन ऑफ असेंबली काउंसिल में अगर देखें तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है काउंसिल की मतलब काउंसिल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स हो सकते हैं वो होते हैं वन थर्ड ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली मतलब अगर असेंबली में सौ लोग हैं तो मैक्सिमम आप इस तरह वन थर्ड मतलब तीन सौ लोग अगर आ गए असेंबली में तो मैक्सिमम वन थर्ड मतलब हंड्रेड मेंबर्स से ज़्यादा आप असेंबली में सॉरी काउंसिल के अंदर मेंबर्स नहीं रख सकते और मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी सेट की गई है फोर्टी देखिए फोर्टी से कम भी नहीं होनी चाहिए उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली फिक्स तो किया है मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल जो है वो पार्लियामेंट सेट करती है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजि काउंसिल वन थर्ड जो होते हैं वो लोकल बॉडीज जैसे म्यूनसिपैल्टीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह से आते हैं उसके बाद वन टन टे होते हैं ग्रेजुएट्स और टीचर्स जिनके पास तीन साल से जो उस चीज़ में हैं और उस स्टेट के अंदर रह रहे हो वन थर्ड जो होते हैं दे आर इलेक्टेड बाई द मेंबर्स ऑफ लेजिस्टिव असेंबली ऑफ द स्टेट अपने ही लोगों में से लेजिस्टिव असेंबली उस हाउस में सेलेक्ट करती है और वन सिक्स जो होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर की तरफ से ठीक है अब देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ असेंबली असेंबली की ड्यूरेशन देखो तो नॉर्मली फाइव ईयर्स होती है जब ये इलेक्शन uh, के बाद जनरल इलेक्शन के बाद लेकिन गवर्नर के पास एक अथॉरिटी है कि वो डिजोल्व कर सके असेंबली को किसी भी वक्त पे या कंप्लीशन ऑफ फाइव ईयर से पहले भी कर सकती है जिसमें चीफ मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है वो बताते हैं और फिर गवर्नर जो है उसको ख़त्म कर डिजोल्यूट कर देते हैं लोकसभा को टर्म जो है वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान या एक पार्लियामेंट के मतलब जब लॉ निकालती है पार्लियामेंट एक नेशनल इमरजेंसी के दौरान तो उसको एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और आगे किसी भी वक्त के लिए काउंसिल की देखें तो इट इज़ अ कंटिन्यूइंग चैम्बर जैसे परमानेंट बॉडी है राज्यसभा जैसी और डिजोल्यूशन यहाँ पे नहीं होता है वन थर्ड जो मेंबर हैं वो रिटायर करते हैं आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर तो एक मेंबर होता है कंटिन्यूज एज सच फॉर सिक्स ईयर्स सेम राज्यसभा वाला वो है रिटायरिंग मेंबर्स हैं वो एलिजिबल हैं री इलेक्शन और री के लिए सेम वैसा है स्पीकर ऑफ असेंबली बिल्कुल डिट्टो है चेयरमैन ऑफ काउंसिल भी बिल्कुल सेम है कोई दिक्कत नहीं है चेयरमैन भी होता है वो अब यहाँ पे चेयरमैन ऑफ काउंसिल और वाइस प्रेसिडेंट में एक फ़र्क है वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसमें दोनों हाउसेज का चाहिए होता है चेयरमैन जो होता है वो इलेक्ट किया जाता है बाय द काउंसिल खुद के मेंबर्स में से तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी वही अपने मेंबर्स में से पिक करेंगे एक चेयरमैन ऑफ काउंसिल को वही डेप्यूटी चेयरमैन वगैरह सारी सेम होती हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं और ये सब चीज़ें हैं ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे ठीक है कमेटीज़ के बारे में हम चलो एक काम करते हैं देख लेते हैं कितना है फिर उसके बाद अभी कंप्लीट कर लेते हैं पार्लियामेंट्री फोरम्स पार्लियामेंट्री फिर सुप्रीम हाई ठीक है अभी कर लेते हैं ताकि आगे कल जो जुडिशरी की क्लास होगी उसमें हम देख लेंगे फिर आता है हमारा पार्लियामेंट्री कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो इन कमेटीज़ के बारे में बात करता है अलग अलग जगहों पे लेकिन कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं बताता कि ये कितना इसमें लोग होंगे क्या इसका टेन्योर होगा और उसके कंप्लीट फंक्शंस जो है ना ये सब चीज़ों के बारे में नहीं बताता है कॉन्स्टिट्यूशन uh, कमेटी जो अपॉइंट की जाती है या नॉमिनेट की जाती है वो कौन करता है स्पीकर या फिर चेयरमैन उस हाउस का इनको अपॉइंट या नॉमिनेट मिनिस्टर जो होता है फिनंशियल कमेटी में वो मेंबर नहीं हो सकता है क्योंकि इन्हीं की चीज़ों को तो पढ़ा जाएगा डिपार्टमेंटल कमेटी जैसे वेमेन एम्पावरमेंट ठीक है उसके बाद गवर्नमेंट एश्योरेंस के लिए पटिशन एंड वेलफेयर ऑफ़ एस सी एस टी कमेटीज़ तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेटीज़ होती हैं पहले आते हैं हमारे पास फिनांशियल कमेटीज़ हम इनको देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाकी क्वेश्चन उनसे नहीं आते हैं क्वेश्चन पहली बार जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो फर्स्ट सेटअप हुई थी 1921 में और वो किसकी वजह से हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन की वजह से 22 मेंबर्स होते हैं 15 लोकसभा से सात राज्यसभा से और ये बहुत बार यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए फिनंशियल कमिटीज यूपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है टर्म जो है एक साल का होता है 1967 से एक कन्वेंशन डेवलप्ड है कि जो चेयरमैन ऑफ कमेटी होगा वो ऑपोजिशन से ले लिया जाता है फंक्शन जो है कमेटी का वो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जो होती है एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उनकी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए होते हैं ठीक है देन कम्स दी एस्टिमेट्स कमेटी एस्टिमेट्स कमेटी में क्या होता है 1921 में ये भी फॉर्म हुई थी फर्स्ट कमेटी जो फॉर्म हुई थी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में वो 1950 में हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई कमेटी 30 मेंबर होते हैं सभी जो तीस मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से ही होते हैं एस्टीमेट्स कमेटी में राज्यसभा से मेंबर्स नहीं होते हैं लार्जेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट की क्योंकि तीस मेंबर्स हैं दिख रहा है आपको राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस कमेटी में और जो टर्म है वो सेम वन ईयर है फंक्शन जो है कमेटी का वो क्या है कि एग्जामिन करना एस्टिमेट्स को जो बजट में देंगे वो जो पॉलिसीज़ में देते हैं सरकार और साथ में कि वो जो उनकी सजेस्ट इकोनॉमीज इन पब्लिक कि अगर आपको थोड़ा कम करना चाहिए पैसा थोड़ा ज़्यादा कर देना चाहिए पैसा इसको बोलते हैं सजेस्ट इकोनॉमीज़ बताते हैं कि कितना आप पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है फिनेंशियल कमेटीज़ देख रहे हैं ना अभी हम तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंगज ये तीसरा है नाइनटीन में क्रिएट हुई थी रिकमेंडेशन ऑफ कृष्ण मेनन कमेटी प्लीज़ याद रख लीजिएगा किस कमेटी के तहत ये लोग हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइन्टी यहाँ पे जॉन मथाई और यहाँ पे कृष्ण मैन कमेटी 1974 में फोर इट्स मेंबरशिप वॉज रेज टू ट्वेंटी टू जिसमें पंद्रह लोकसभा और सात राज्यसभा टर्म ऑफ ऑफिस है वो वन ईयर है और चेयरमैन जो होता है कमेटी का वो स्पीकर अपॉइंट करता है अपने ही मेंबर्स के बीच में से जो लोकसभा से निकाले जाते हैं मेंबर्स तो जो इसका चेयरमैन होगा वो सिर्फ लोकसभा से होगा याद रखना जो चेयरमैन है यार ये क्वेश्चन ना यूपीएससी इतने मस्त तरीके से पूछता है ना आप ये चीज़ों को प्लीज मत करना मिस चेयरमैन फ्रॉम लोकसभा ओनली वहां पे जब स्टेटमेंट्स आएंगे ना तो परेशान हो जाओगे तो ध्यान से प्लीज पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट होती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज ये 24 होती हैं टोटल इसका डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर होती हैं कमेटीज टू इंक्वायर जैसे कमेटी ऑन पिटिशंस प्रिविलेज एथिक्स कमेटी फिर चौथी होती है स्क्रूटेनाइज एंड कंट्रोल के लिए ठीक है जैसे इसमें कमेटीज ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस फिर कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन जो देखती है स्क्रूटेनाइज करती है ध्यान रखती है और रिपोर्ट करती है हाउस को कि पावर जो है रेगुलेशन रूल्स और सब रूल्स और लॉज बनाने की वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है आ, ठीक है और डेली पार्लिमेंट अब भी प्रॉपरली एक्सरसाइज इन एग्जीक्यूटिव तो वो सही तरीके से एग्जीक्यूटिव के लिए एक्सरसाइज़ की जा रही है कि नहीं कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन टेबल कमेटीज़ ऑन वेलफेयर एंड एस तो ये सारी कमेटीज़ हैं इनके नाम बस याद रख लीजिएगा ठीक है उसके बाद कमेटीज़ रिलेटेड टू डे टू डे बिजनेसिस जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल रेजोल्यूशंस रूल्स कमेटी एंड कमेटी ऑन एबसेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑफ सिटिंग हाउसेस स्पीकर कौन सी कमेटी को हेड uh, करता है मैंने बताया था थोड़ी देर पहले जो स्पीकर के बारे में पढ़ रहे थे कौन बताएगा मुझे कॉमेंट uh, सेक्शन में फिर आता है हाउसिंग हाउस कीपिंग कमेटीज और सर्विस कमेटीज़ दैट इज कमेटीज़ कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विसेज टू मेंबर्स ठीक है इसके अंदर कौन होता है हाउस कीपिंग कमेटीज में जनरल पर्पसेस कमेटी हाउस कमेटी लाइब्रेरी कमेटी एंड सो ऑन ठीक है नेक्स्ट चलते हैं अब आता है पार्लियामेंट्री फोरम्स पार्लियामेंट्री फोरम्स जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बस क्योंकि ये पार्ट था लक्ष्मीकांत तो और डी डी बसु बुक का इसलिए मैंने यहां डाल दिया अदरवाइज इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर यू याद रख लीजिएगा कि बस ये एक प्लेटफॉर्म होता है मेंबर्स को दिया जाता है ताकि वो इंटरेक्ट कर सके मिनिस्टर्स के साथ एक्सपर्ट्स के साथ और की ऑफिशियल्स जो उस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं ठीक है ताकि सेंसिटाइज किया जा सके मेंबर्स को अबाउट द की एरियाज़ ऑफ कंसर्न और जो ग्राउंड लेवल सिचुएशन है और उनको इक्विप किया जा सके विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तो बेसिकली ऐसे चलती हैं पार्लियामेंट्री फॉरम्स फिर पार्लियामेंट्री ग्रुप अगेन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू पी दी जाएगी आप देख सकते हो लेकिन इसमें आपको पार्लियामेंट्री फोरम और पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते क्योंकि ये बहुत ही एक्स्ट्रा हो जाते हैं एंड uh, जो पॉलिटी है और जो मेजरली आपकी न्यूज भी होती है उसके अंदर ये चीजें डिस्कस नहीं की जाती हैं अगर आप नोटिस करोगे तो यूपीएससी के जब भी एग्जाम में आप पॉलिटी के क्वेश्चंस देखोगे जैसे कभी अटर्नी जनरल के बारे में पूछ लेते हैं किसी चीज के बारे में भी है ध्यान रखिएगा इस बात का कि वो रैंडमली ऐसे ही कुछ नहीं पूछ लेते वो न्यूज में पिछले साल कहीं रहा होता है और क्योंकि आपके स्टैटिक डेटा के अंदर वो आप पढ़ते हो इसलिए वो उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं अदरवाइज रैंडमली कुछ नहीं पूछते तो दिस इज दी कोर्स जो चल रहा है हमारा और लेजिस्लेचर है आज हमारा ख़त्म हो जाता है कल हम करेंगे जुडिशरी जुडिशरी में हम कवर करेंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एंड फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं उन सब के बारे में देखेंगे न्यायालय देखेंगे डिफरेंट जो हैं उनकी पावर्स को देखेंगे लोकपाल वगैरह इन सब चीज़ों को देखेंगे तो कल मिलेंगे जुडिशरी क्लास में आज के लिए जिसको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माइंड मैप्स बाय आकाश ये मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम है ठीक है आप इस पर डायरेक्टली जाके मुझसे बात कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन चैनल डिस्क्रिप्शन जो होगा बॉक्स इस वीडियो का इसके अंदर मैंने सारी चीजें प्रोवाइड की होंगी आप डेफिनेटली देख सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई सी इन द नेक्स्ट क्लास